एपिसोड 788, ध्रुव अकेला चला। पुजारी जी ने जैसे ही ध्रुव का नाम लिया, विक्की एक्साइटेड होता हुआ बोला, ये देख इन्होंने तेरा नाम लिया, मतलब उनकी याददाश्त नहीं गई है, मैं सच कह रहा था। तारा ने कहा, क्या बोल रहे हो विक्की, भला उनकी याददाश्त क्यों जाएगी। विक्की बोला, मैं कहां बोल रहा हूँ, ये तो ये ध्रुव कह रहा था, यही तो बार बार पूछ रहा था कि आपको मैं याद हूँ, आपको मैं याद हूँ। अरे तू क्या इनका कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ बेटा है क्या, जो अपने आप को पहचानने के लिए पूछ रहा है बार बार। तभी पुजारी जी दोबारा बोले, विक्की, तारा। विक्की फिर से बोला, इन्हें तो मैं भी याद हूँ तारा, और ये तुम्हें भी जानते हैं। ध्रुव ने पुजारी जी को संभालते हुए कहा, पुजारी जी हम सब हैं, आप हमारे साथ हैं, और ये देखिए आप हमारे साथ हमारे घर पर हैं। पुजारी जी ने एक बार घर की तरफ ध्यान से देखा और फिर बोले, मुझे बैठना है। ध्रुव ने कहा, नहीं पुजारी जी, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप बैठ सके, आप आराम कीजिए, आप जितना आराम करेंगी उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। पुजारी जी ने कहा, मुझे कुछ कहना है तुम लोगों से। पुजारी जी की आवाज इतनी कमजोर और इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए ध्रुव को उनके नजदीक जाना पड़ा। ध्रुव ने कहा, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप कुछ बात कर सके, आप आराम करिए। तारा, पुजारी जी के लिए पतली सी खिचड़ी बना दो, जिसे ये आराम से लेटे लेटे खा सके, कुछ खा लेंगे तो थोड़ी सी ताकत आएगी। तारा ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतना कहकर तारा किचन की तरफ चली गई और थोड़ी ही देर बाद वो वापस आई तो विक्की ने कहा, इतनी जल्दी बन गई खिचड़ी। तारा ने कहा, नहीं ये तो मैं उनके लिए नींबू पानी बनाकर ले आई हूँ, थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से पिलाओ, इससे इन्हें अच्छा महसूस होगा। ध्रुव ने तारा के हाथ से नींबू पानी का ग्लास लिया और पुजारी जी को धीरे धीरे पिलाने लगा। ध्रुव ने देखा एक बार फिर पुजारी जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। ध्रुव ने तुरंत विक्की को पानी का ग्लास पकड़ा दिया और उनके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, ये क्या आप तो फिर से रोने लगे, आपको हो क्या गया पुजारी जी, आप कब से बात बात पर इतने आंसू बहाने लगे। पुजारी जी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों को देखना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं दोबारा अपनी आंखों से किसी को देख भी पाऊंगा। इस बात को सुनकर विक्की मायूस होता हुआ बोला, हाँ वो तो आपकी बातों को सुनकर समझ में आ रहा है कि आप किस परिस्थिति में रहे होंगे, वरना हम लोग तो कभी आपको फूटी आंख नहीं पाते थे, अगर हम लोगों को देखकर आपको इतनी खुशी हो रही है तो आपकी स्थिति हम साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। विक्की की बात पर ध्रुव ने उसे घूर कर देखा और बोला, क्या बोल रहा है तू। विक्की ने कहा, मतलब मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा रूड है, लेकिन कह तो मैं सही रहा हूँ ना, मैं तो इनकी सिचुएशन को ही जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये बहुत बुरी कंडीशन में रहे होंगे बेचारे, इनकी फिजिकल कंडीशन जितनी बुरी लग रही है आई थिंक उससे ज्यादा इनकी मेंटल कंडीशन बुरी रही होगी। कोई बात नहीं पुजारी जी, अब आप ठीक हैं और सुरक्षित भी हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ध्रुव ने कहा, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए पुजारी जी, आप तो जानते ही हैं ये ऐसा ही है, एनीवे आपको अब कैसा महसूस हो रहा है नींबू पानी पीने के बाद। पुजारी जी ने अपनी पलकें झुकाई और कहा, हाँ बेहतर हूँ, अब मुझे उठाकर बिठा दो, इतने समय से लेटे लेटे मेरी हड्डियां काम करना बंद कर चुकी हैं, मैं बैठना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ कि वाकई में सब कुछ ठीक है, मैं कोई सुंदर सपना नहीं देख रहा हूँ। विक्की बोला, अरे बाप रे, मतलब मामला जितना मैं समझ रहा हूँ उससे भी ज्यादा गंभीर है। ध्रुव ने पुजारी जी को सपोर्ट देते हुए उठाया और दीवार के पास पिलो रखकर उन्हें सहारा देते हुए बिठा दिया और बोला, अब आप ठीक महसूस कर रहे हैं। पुजारी जी ने कहा, हाँ अब ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। ध्रुव ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, बस आप ये बता दीजिए कि आपकी ऐसी हालत हुई कैसे, आपको पता है हमने आपको कितना ढूंढा, मतलब आपके शिष्यों से भी पूछा, लेकिन आपके शिष्यों ने कहा कि आप अपने मन से कहीं चले गए हैं और किसी के पास आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, हमें लगा कि शायद आप किसी चीज की तलाश में गए होंगे, क्योंकि जितना हम आपको जानते हैं, माफ करिएगा पुजारी जी, बेशक आप सुमेर के साथ हमेशा रहे लेकिन कभी भी आप गलत के साथ नहीं रहे हैं, मैं जानता हूँ सुमेर ने आपको बहकाया है, तभी आपने हमेशा उसका पक्ष लिया और उसको सही समझा, लेकिन मैं आपको सुमेर के बारे में बहुत कुछ ऐसा बताना चाहूंगा जो शायद आपको यकीन भी नहीं होगा। इतना कहते हुए ध्रुव गौर से पुजारी जी को देखने लगा और अपने मन में बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इन्हें वाकई में पता है कि जो कुछ भी हुआ है वो सुमेर ने किया है, या सुमेर ने इनके साथ इतना बुरा करके भी उनकी नजरों में अपने आप को बचा कर रखा हुआ है। ये सुनते ही पुजारी जी की आंखों में गुस्सा उतर आया, उन्होंने गुस्से में कहा, सब जानता हूँ मैं, अब मेरी आंखों से तमाम पट्टी उतर चुकी है, अब मैंने वो सच्चाई भी देख ली है जो मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी,
तुम क्या बताओगे मुझे? मैंने तो उस इंसान की वो घिनौनी सच्चाई देखी है। इंसान नहीं, वो तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। वो इंसान के भेष में हैवान है, हैवान। ये सुनकर विक्की ने ध्रुव की तरफ देखा और बोला, लगता है ये उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ समझ गए। देखा पुजारी जी, जैसे आदमी ने जिस सुमेर को अपने बेटे की तरह माना था, वो उसके बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं। ध्रुव ने कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि पुजारी जी भी उसके पिता की उम्र के थे, लेकिन सज्जन सिंह तो खुद उसके पिता थे। जब उसने अपने माता पिता को नहीं छोड़ा तो भला पुजारी जी को कहां से छोड़ेगा? विक्की बोला, हाँ ये बात भी है। वैसे मुझे क्या लगता है, तो इनसे बाकी की चीजें भी तो पूछने की हुआ क्या था? इससे पहले कि ध्रुव कुछ और पूछ पाता, तारा हाथ में गरम गरम खिचड़ी की प्लेट लिए आ गई और पुजारी जी को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, अरे वाह, आप तो उठकर बैठ गए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। इतना कहते हुए तारा ने प्लेट साइड में रखी और पुजारी जी के पैर छुए और बोली, हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि आपसे कभी मुलाकात भी होगी। पुजारी जी बोले, तारा बिटिया, उम्मीद तो मैंने भी खो दी थी कि कभी तुम में से किसी को देख पाऊंगा। तारा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, अब सब ठीक हो गया है, ये लीजिए और गरम गरम खिचड़ी खाइए। ध्रुव ने कहा, ये प्लेट मुझे दे दो, मैं इन्हें खिलाता हूँ। ध्रुव ने तारा के हाथ से प्लेट लिया और आराम से धीरे धीरे पुजारी जी को खिचड़ी खिलाने लगा। पुजारी जी बड़े प्यार से ध्रुव की तरफ देख रहे थे। ध्रुव ने कहा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? विक्की ने कहा, अरे तुझे नहीं देख रहे होंगे, खिचड़ी को देख रहे होंगे। इन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की होगी कि कभी खिचड़ी देख पाएंगे, है ना पुजारी जी? मेरे कहने का मतलब है, जैसा आपने हमें देखने की उम्मीद नहीं की थी वैसे ही। विक्की इतना बोला ही था कि ध्रुव बोला, कुछ भी बोल रहा है विक्की। पुजारी जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा, बोलने दो इसे, इसका बोलना मेरे कानों को बहुत सुख दे रहा है। विक्की ने कहा, देखा तूने, मेरी आवाज है ही इतनी अच्छी कि लोगों को सुख का एहसास होता है, और तू है कि मुझे चुप करता रहता है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था पुजारी जी की खिचड़ी के बारे में? ध्रुव ने विक्की को डांटते हुए कहा, चुप रहे विक्की, उन्हें बोलने तो दे, आप बताइए आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? पुजारी जी ने धीरे से ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और बोला, मुझे माफ कर दो ध्रुव, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, बहुत बेरुखी दिखाई, लेकिन फिर भी तुम लोग इतने प्यार से और अपनेपन से मेरा ख्याल रख रहे हो और मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ध्रुव ने कहा, कुछ कहिए मत, बस ये खाइए, क्योंकि कहने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है जो हम आपसे जानना चाहते हैं। पुजारी जी बोले, मैं सब कुछ बताऊंगा, तुम लोगों को शुरू से सब कुछ बताऊंगा। ध्रुव ने कहा, अभी नहीं, पहले आप अच्छे से आराम कीजिए, अभी हम वैसे भी कुछ भी नहीं सुन सकते क्योंकि अभी हमें बहुत जरूरी काम है। अगर आप हमें जंगल में नहीं मिले होते तो शायद अभी हम घर पर भी नहीं होते। इतना कहते हुए ध्रुव ने तारा और विक्की की तरफ देखा। तारा बोली, मैं इनका ध्यान रखूंगी, तुम दोनों जाओ। ध्रुव ने इनकार करते हुए कहा, हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं, तुम और विक्की यहीं रहोगे पुजारी जी के साथ। इनका ध्यान रखने के लिए अगर इन्हें बाथरूम वगैरह जाना हुआ तो तुम अकेले इन्हें नहीं संभाल पाओगी, विक्की का यहाँ होना जरूरी है और मैं वहां अकेले सब कुछ संभाल सकता हूँ। पुजारी जी को उन लोगों की बात समझ नहीं आ रही थी। पुजारी जी बोले, किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग, कहाँ जाना है तुम्हें ध्रुव? ध्रुव ने कहा, हवेली जाना है। ये सुनकर पुजारी जी के मुंह से सारी खिचड़ी बाहर आ गई और वो जोर जोर से खांसने लगे। ध्रुव ने जल्दी जल्दी उनकी पीठ को सहलाते हुए उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर के बाद जब वो नॉर्मल हुए तब ध्रुव ने कहा, क्या हो गया, आराम से? पुजारी जी बोले, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम हवेली नहीं जा सकते, वो भी इस वक्त। ध्रुव ने कहा, क्यों नहीं? पुजारी जी बोले, बहस मत करो, इस वक्त तुम्हारा हवेली जाना खतरे से खाली नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। ध्रुव ने कहा, लेकिन आप नहीं समझ रहे, वहां पर अनन्या छलावा फंसे हुए हैं। ये सुनकर पुजारी जी ने कहा, वे लोग वहां क्या कर रहे हैं? ध्रुव बोला, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि मुझे उन लोगों को वहां से निकालने के लिए वहां जाना ही होगा, काफी देर हो गई है, उन लोगों की कोई खबर नहीं आई है, ना कोई फोन उठा रहा है, इसलिए मुझे बहुत फिक्र हो रही है उन लोगों की। और आप तो जानते ही हैं हवेली की हालत, वो हवेली सिर्फ दिखाने के लिए हवेली है, लेकिन वो किसी मौत के कुएं से कम नहीं है, और ऐसे में मैं उन लोगों को अकेले वहां नहीं छोड़ सकता। पुजारी जी बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम तीनों साथ में जाओ। ध्रुव ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप, आपकी ऐसी हालत में हम आपको अकेले घर पर छोड़ेंगे क्या? पुजारी जी ने कहा, मैं इस घर के अंदर अब बिल्कुल सुरक्षित हूँ और ठीक भी हूँ, पहले से बेहतर हूँ और अपना ध्यान रख सकता हूँ, जिद मत करो, अकेले नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, और अगर जाना जरूरी है तो तुम तीनों साथ में जाओगे।
तारा ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और बोली, वैसे ध्रुव सही कहूं तो मेरा मन भी तो नहीं मान रहा तुम्हें अकेले जाने देने के लिए, लेकिन तुम्हारा कहना भी ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ध्रुव ने कहा, तुम लोगों को यही लगता है ना कि मुझे अकेले जाने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, किसी और के साथ चला जाऊंगा। तारा ने पूछा, किसके साथ जाओगे? ध्रुव बोला, मैं जुल्मी को साथ ले लूंगा। विकी बोला, जुल्मी, उसका जाना या ना जाना एक जैसा ही है। ध्रुव ने कहा, हाँ लेकिन कम से कम वो तेरी तरह खुद डरता तो नहीं है ना, और ना ही हमें डराने की कोशिश करता है, और वैसे भी अगर तुम दोनों यहाँ रहोगे तो और बचा कौन, जुल्मी ही ना, और बाकी जो है वो सब हवेली में फंसे हुए हैं, तो मुझे उसको लेकर जाना ही होगा। तारा बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कम से कम वो साथ रहेगा तो तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी और हम भी रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तुम जुल्मी को लेकर जा सकते हो, विकी उसको कॉल कर दो। विकी ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला, ध्रुव बोला, कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे घर से ले लूंगा। कॉल करोगे तो बेमतलब में सजनी भी परेशान हो जाएगी और डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं रितु से बात कर लूंगा और जुल्मी को बाहर ही बुला लूंगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना और पुजारी जी का भी। इतना कहकर ध्रुव बाहर निकल गया और धीरे से बोला, बाल बाल बच गए, अगर मैं जुल्मी का नाम नहीं लेता तो ये दोनों मेरा पीछा ही नहीं छोड़ने वाले थे, अब मुझे जल्द से जल्द हवेली पहुंचना होगा। एपिसोड 789, पुजारी की तलाश। ध्रुव घर से बाहर आ गया था और उसने सोच लिया था कि वो अकेले ही हवेली जाएगा, और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। अपने ख्यालों में गुम ध्रुव आगे बढ़ता जा रहा था, वो पंचायत भवन से भी आगे निकल चुका था तभी पीछे से आवाज आई, रुक जा मेरे लिए तो रुक, बड़ी फुर्ती आ गई है तुझमें। ये आवाज विक्की की थी। ध्रुव ने पीछे पलट कर देखा तो विक्की जल्दी जल्दी लंगड़ाते हुए आगे आ रहा था। ध्रुव ने हैरानी से कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है, और तुझे ये कंगारू की तरह कूदते हुए यहाँ आने के लिए किसने बोला था? विक्की ने कहा, मुझे पता था कि तू जुल्मी को अपने साथ नहीं ले जाएगा, अगर उसे साथ ले जाना होता तो तू उसको कॉल करता, इसीलिए मैं आया हूँ, और वैसे भी पुजारी जी अब ठीक है, तारा उन्हें अकेले संभाल सकती है, और वैसे भी मेरा मन नहीं मान रहा था इसलिए मैं तेरे पीछे चला आया। ध्रुव अपने सर पर हाथ रखता हुआ बोला, महान हो तुम लोग, मैंने कहा था ना इसकी जरूरत नहीं है, बेमतलब में तू यहाँ तक आ गया, अब मैं तुझे क्या ही बोलूं, आ ही गया है तो चल। विक्की ने कहा, वो दरअसल सिर्फ तू और मैं नहीं जा रहे हैं, कोई और भी है जो हमारे साथ जा रहा है। ये सुनते ही ध्रुव गुस्से में विक्की को उंगली दिखाते हुए बोला, मजाक समझ रखा है क्या, यहाँ पर मैं कोई पिकनिक पर जा रहा हूँ क्या, या मैं कोई पार्क में घूमने जा रहा हूँ कि अगर मैं जाऊंगा तो सब मेरे साथ जाओगे, अब कौन आ रहा है? ध्रुव इतना बोला ही था कि पीछे से जल्दी जल्दी हाँफते हुए आता हुआ जुल्मी दिखा। जुल्मी को देखते ही ध्रुव का दिमाग खराब हो गया, वो गुस्से में बोला, ये इतनी हड़बड़ी में क्यों आ रहा है? विक्की ने कहा, हम इसी का तो इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही ध्रुव हैरानी से विक्की को देखने लगा और बोला, हम इसका इंतजार कर रहे थे? ऐसा बोल कि मैं इसका इंतजार कर रहा था। विक्की बोला, लेकिन तू तो जा रहा था ना, तू इसका इंतजार कहाँ कर रहा था? ध्रुव ने कहा, अरे गधे, मैं मतलब तू इसका इंतजार कर रहा था, मैं तो जा ही रहा था। विक्की अपने बाल को खुजलाता हुआ बोला, लेकिन तूने तो कहा मैं इंतजार कर रहा था, अभी तू कह रहा है कि मैं इंतजार कर रहा था, तो कौन मैं इंतजार कर रहा था, तू वाला मैं इंतजार कर रहा था या मैं वाला मैं इंतजार कर रहा था? ध्रुव अपना सिर पीटते हुए बोला, किसी समझदार इंसान ने बिल्कुल सही कहा है, बेवकूफों को पैसे दे दो लेकिन उनको अपना समय मत दो। जुल्मी ने कहा, कौन है बेवकूफ? ध्रुव ने कहा, तुम्हारे हिसाब से बेवकूफ किसे होना चाहिए? जुल्मी विक्की को देखने लगा। विक्की हैरानी से बोला, मेरी तरफ क्या देख रहा है? ध्रुव ने कहा, क्योंकि वो भी समझदार है, उसे भी पता है। जुल्मी ने कहा, क्या पता है? ध्रुव बोला, कुछ नहीं पता है, तू मुझे ये बता कि तू यहाँ क्या करने आए? जुल्मी बोला, वो तो विक्की हमको फोन किया और बोला कि ध्रुव बहुत बड़ी मुसीबत में है, जल्दी से पंचायत भवन के पास आ जाओ, तो हम भागते हुए चले आए। कौन सी मुसीबत में हो तुम? हमको बताओ, हम सारा मुसीबत को देख लेंगे। तुमको तो पता ही है, ये जो हम बॉडी बनाए हैं वो ऐसे ही थोड़ी ना बनाए हैं, तुम पर पड़ने वाले हर मुसीबत का सामना पहले हम करेंगे। ध्रुव ने कहा, तो सामना करूं? जुल्मी बोला, किसका सामना करूं? ध्रुव ने कहा, ये सामने खड़ा है ना मुसीबत, विक्की, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है, तुम इसका सामना करो और मैं चलता हूँ। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ गया और विक्की भागता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अरे भाई कहाँ चलती है, मैं तेरी मुसीबत हूँ, ये क्या बकवास कर रहा है तू मेरे बारे में? ये जुल्मी पहले से ही कम पनौती है क्या कि तू उसी के सामने मेरी बुराई कर रहा है? जुल्मी ने कहा,
अरे कोई हमको बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? अच्छा भला सोए हुए थे, उठा दिए हो और अब कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, आपस में ही लगे हुए हो। अरे हमको भी तो बताओ कि आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ? ध्रुव ने कहा, जुल्मी कुछ नहीं चल रहा है, तू कृपा कर और घर चला जा। जुल्मी बोला, ऐसे कैसे घर चले जाएं? हमारा ब्यूटीफुल नींद डिस्टर्ब हुआ है, सपने में हम अनन्या जी को। जुल्मी इतना बोला ही था कि फिर एकदम से चुप हो गया। विक्की और ध्रुव दोनों उसकी तरफ देखने लगे। जुल्मी बोला, हम ये कह रहे थे कि सपने में हम देखे अनन्या जी को, हमारा मतलब है हमारी जो सजनी है, हमारी सजनी अनन्या जी को लेकर खरीदारी करने गई है हमारे बच्चे के लिए। वो दोनों छोटे छोटे कपड़े खरीद रही थी, छोटे छोटे जूते खरीद रही थी। हम इतना सुंदर सपना देख रहे थे और इस विक्की के फोन से हमको डिस्टर्ब हो गया। विक्की ने जुल्मी की गर्दन पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आजकल कुछ ज्यादा ही सुंदर सपने नहीं देखने लगा है तू? जरा कम देखा कर ये सुंदर सुंदर सपने, वरना ये तेरी सुंदर सी बॉडी जो है ना, समझ ले फिर। जुल्मी ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाया और बोला, ये सब छोड़ो, तुम काम का बात करो। विक्की ने कहा, ध्रुव हवेली जा रहा है। ये सुनते ही जुल्मी एकदम से चीखता हुआ बोला, इस समय? विक्की ने कहा, हाँ आजकल ध्रुव को आधी रात को हवेली में घूमने जाने का शौक चढ़ा है। हवेली का बगीचा कितना सुंदर है ना, बस तो वहां जाकर इसको ध्यान लगाने में आराम मिलता है। ये सुनकर जुल्मी अपना मुंह खोलकर ध्रुव का मुंह देखने लगा। ध्रुव ने कहा, मुंह बंद कर, रात का समय मच्छर घुस जाएंगे और मैं कोई ध्यान लगाने नहीं जा रहा हूँ। तू भी क्या इस विक्की की बातों में आ रहा है? दरअसल छलावा अनन्या और सागर अब तक लौटे ही नहीं है और ना ही उनकी कोई खबर है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। मुझे उनकी फिक्र हो रही है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये सुनते ही जुल्मी अपना सिर थाम कर बैठ गया और बोला, अनर्थ हो गया, इतना अनर्थ हो गया और आप लोगों ने हमको बताया ही नहीं। अरे बहुत बुरा किया तुमने हमारे साथ। जुल्मी की ये हरकत उन दोनों को समझ में ही नहीं आ रही थी। विक्की ने कहा, एक बात बता, तेरे साथ कौन सा अनर्थ हो गया? तू तो अच्छा भला अपने घर में सुंदर सपने देख रहा था ना। जुल्मी रोता हुआ बोला, अरे हमारी अनन्या जी हवेली में फंस गई और हमको कोई बताया ही नहीं। अनन्या जी के लिए तो हम कुछ भी कर जाएंगे, हवेली क्या चीज है, उनके लिए तो हम आग का दरिया भी पार कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते, अनन्या जी को बचाने के लिए हमको अभी हवेली जाना होगा, अभी चलते हैं। इतना कहकर जुल्मी उठकर खड़ा हो गया और उन दोनों को वहीं छोड़कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया। ध्रुव ने कहा, चलिए अब आप भी आग का दरिया पार करिए। ये सुनते ही विक्की हंसता हुआ बोला, अगर मुझे आग का दरिया पार करना होगा तो मैं अपनी तारा के लिए पार करूंगा ना, अनन्या के लिए क्यों करूंगा। ध्रुव ने विक्की को आगे की तरफ धक्का देते हुए कहा, अब चल, आया बड़ा आग का दरिया पार करने वाला। फिर विक्की ने जुल्मी को आवाज लगाई, ओ भाई रुक जा, हम तेरी तरह फुर्तीले नहीं है, तेरे पैरों में तो पहिए लग गए हैं, भागा जा रहा है, हम पर तरस खा ले, हम थके हुए हैं। जुल्मी बोला, नहीं नहीं अभी तो हम कुछ नहीं खा सकते, तरस तो बहुत दूर का बात है, जब तक हम अनन्या जी को अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगा, तुम लोग हमारा बेचैनी को नहीं समझ रहे हो। ध्रुव ने कहा, तुझे क्यों बेचैनी हो रही है भाई, बेचैनी तो मुझे होनी चाहिए, और अगर तुझे इतनी ही बेचैनी हो रही है तो घर जाना, तेरी बेचैनी घर पर इंतजार कर रही है। विक्की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, शुक्र मना इसकी शादी हो गई है, वरना तेरा बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बनकर आ जाता और अपनी ऐसी हरकतों से ये जरूर तुझे हरा देता। ध्रुव ने कहा, क्या बकवास कर रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहा है। विक्की ने कहा, नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूँ, लड़कियों को ना इस टाइप के लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, तू इसकी पर्सनैलिटी पर मत जा, देखा नहीं अनन्या के लिए कैसे पागल बना फिरता है। ध्रुव बोला, कुछ भी बोलता है, अगर अनन्या भी ये बात सुन लेती ना तो तेरी जान ले लेती यहीं पर। लेकिन विक्की ये तूने बहुत गलत किया है, तू खुद आया तो आया लेकिन जुल्मी को भी ले आया है, मैं अकेले होता तो कैसे भी करके हवेली के अंदर चला जाता, लेकिन अब हम लोग फंस जाएंगे, तू समझ नहीं रहा है, यहाँ तो मेरी मदद के लिए आया था लेकिन तेरी ये मदद कहीं हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। विक्की ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तू चल तो सही, वैसे भी वो सुमेर तो तेरा साधु बना हुआ शमशान में बैठा होगा, अपने भूतों के साथ नृत्य कर रहा होगा। जुल्मी जो काफी आगे बढ़ गया था उसने पीछे पलट कर देखा तो दोनों ध्रुव और विक्की बहुत पीछे नजर आ रहे थे। जुल्मी बोला, अरे जल्दी पैर चलाओ, अपना पैर में क्या पायल पहने हुए हो जिसकी आवाज सुनते हुए चल रहे हो, बात की गंभीरता को समझते ही नहीं हो तुम लोग, यहाँ अनन्या जी इतना मुसीबत में है और तुम लोगों की मजे ले लेकर चल रहे हो, बहुत गैर जिम्मेदार हो तुम लोग। ध्रुव ने कहा, लो और सुनो, जिसे यही नहीं पता कि बात क्या है वो चाचा चौधरी बनकर बस इसीलिए आ गया है कि अनन्या वहां फंसी हुई है, अरे पहले पूरी बात तो सुन ले। जुल्मी बोला, कुछ नहीं सुनना हमको, अब तो जब हम अनन्या जी को सही सलामत देख लेंगे तभी किसी का कुछ बात सुनेंगे,
ध्रुव हाथ जोड़ता हुआ बोला, जी बिल्कुल महानुभवी, जैसी आपकी आज्ञा, अब हम हवेली चलकर ही रुकेंगे। इतना कहकर ध्रुव और विकी भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। वे दोनों हवेली के नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी ही दूर से उन्होंने देखा कि हवेली में बहुत ज्यादा रोशनी हो रही थी। विकी बोला, ये क्या चक्कर है, इस वक्त मतलब रात के वक्त हवेली में इतनी रोशनी तो नहीं रहती, लाइट बहुत डिम रहती है, तो फिर आज इतनी रोशनी कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे हैलोजन लाइट लगा दियो। हवेली के आसपास भी बहुत रोशनी थी। ध्रुव ने गौर से देखा और बोला, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लोग भी नजर आ रहे हैं, मतलब लगता है कि सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। देख रहा है ये वॉचमैन कितनी तेजी से इधर से उधर घूम रहे हैं, वरना वो दो मरियल से दरबान रात के समय में तो अपनी कुर्सी पर सो रहे होते हैं, और अब देखो आखिर बात क्या है। जुल्मी अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, लेकिन तभी ध्रुव ने एकदम से उसको पीछे खींचा और फिर वो तीनों झाड़ियों के पीछे छुप गए। वे तीनों ध्यान से सड़क की तरफ देख रहे थे। जुल्मी इधर उधर देखता हुआ बोला, क्या हुआ, हवेली चलना है ना, यहाँ क्यों बैठ गए हो। ध्रुव ने कहा, सुमेर ने हमें कोई अपनी शादी का इन्विटेशन नहीं दिया है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हवेली में घुस जाएंगे। देख नहीं रहा कितनी रोशनी और कितने सारे पहरेदार इधर से उधर घूम रहे हैं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से यहाँ की पहरेदारी बढ़ा दी गई है, और ऐसे में अगर उन लोगों की नजर हम पर गई ना तो हम तो तुझे छोड़कर भाग जाएंगे। जुल्मी ने कहा, हम तो जानते ही है तुम लोग दुष्ट हो, हमको तुम लोगों पर भरोसा थोड़ी ना है, हम अपने आप का फिक्र और अपना रक्षा खुद कर सकते हैं। ध्रुव ने कहा, चला जा फिर। जुल्मी बोला, नहीं अभी थोड़ी ना जाएंगे, वो तो हम मौका देखकर जाएंगे। इतना कहकर जुल्मी इधर उधर देखने लगा। ध्रुव ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहां जितने पहरेदार थे वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। ध्रुव बोला, हमें थोड़ा नजदीक जाना होगा तो शायद हमें कुछ सुनाई देगा कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। विकी ने कहा, तू उनकी बातें सुनने आए, और हवेली के भीतर कैसे जाएगा ये बता। ध्रुव ने कहा, वही तो समझ में नहीं आ रहा है, चारों तरफ रोशनी रोशनी है, इतनी रोशनी में हवेली के भीतर जाना सही नहीं होगा, आगे के रास्ते से जाएं या पीछे के रास्ते से जाएं, हम पकड़े जाएंगे क्योंकि पीछे की तरफ भी रोशनी फैली हुई है। विकी ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, और एक ही चीज है, यहाँ सुमेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं वो सच में शमशान में ही नृत्य करने तो नहीं बैठ गया अब तक। ध्रुव ने कहा, नहीं कैसी बात कर रहा है, ये सब कुछ सुमेर का ही तो किया था रहा, वो जरूर यहीं कहीं होगा, एक मिनट, शायद मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। विकी ने कहा, क्यों और तुझे कैसे पता। ध्रुव ने कहा, पुजारी जी की वजह से। पुजारी जी का नाम आते ही जुल्मी बोला, पुजारी जी कहाँ से आ गए बीच में। ध्रुव ने कहा, पुजारी जी सिर्फ बीच में ही नहीं आए हैं, बल्कि वो तो पाली में भी आ गए। ये सुनकर जुल्मी ने कहा, क्या बात कर रहे हो। ध्रुव ने कहा, हाँ सब कुछ बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तू ये समझ ले कि ये सब कुछ पुजारी जी को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। एपिसोड 790, सुमेर ने कुछ देखा। ध्रुव ने जैसे ही कहा कि हवेली में इतनी चहल पहल पुजारी जी को ढूंढने के लिए हो रही थी, तो जुल्मी मासूमियत से बोला, लेकिन ये लोग पुजारी जी को हवेली में इतना रोशनी करके क्यों ढूंढ रहे हैं, पुजारी जी को ढूंढना है तो जहां पुजारी जी गए होंगे वहां ढूंढना चाहिए ना, हवेली में क्यों ढूंढ रहे हैं। विक्की बोला, शायद सुमेर को लग रहा होगा कि पुजारी जी इसी हवेली में कहीं बिल बनाकर उसमें घुस गए होंगे, इसलिए वो उन्हें ऐसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जुल्मी ने मुंह बनाते हुए विकी की तरफ देखा और बोला, हम तुमसे नहीं पूछे हैं, बेमतलब में ज्ञान देने आ गए हो, अपना मुंह बंद रखो। विकी ने कहा, कमाल करते हो यार, यहाँ तो भलाई का जमाना ही नहीं है, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहा था, लेकिन तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं है। ध्रुव ने कहा, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और मेरे पीछे आओ। इतना कहकर झाड़ियों के सहारे ही ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। विकी और जुल्मी लगातार उसके पीछे बने हुए थे। वो लोग हवेली के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और अब उन्हें हवेली के गेट पर खड़े लोगों की बातें भी सुनाई दे रही थी। उन्होंने दरबानों की आवाज सुनी। एक दरबान कह रहा था, छोटे मालिक का भी समझ में नहीं आता है, कभी भी कुछ भी करने के लिए कह देते हैं। अरे भाई देखो, अब आधी रात के समय हवेली में रोशनी करने के लिए कह दिया है और सबको जमा होने के लिए कह दिया है, लेकिन क्यों ये तो बताया ही नहीं। दूसरा बोला, अरे ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं, जब जो जी में आया बोल दिया, उन्हें क्या पड़ी है हमारी और बाकी सबकी सुविधा की, उन्हें तो बस अपनी सुविधा की पड़ी है, और मुझे तो लगता है कि जरूर कोई नेता आने वाला होगा, उसी के लिए छोटे मालिक को कोई कार्यक्रम करवाना होगा, इसीलिए आधी रात में ये महफिल सजाने की तैयारी हो रही है। वैसे भी ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये दिन के उजालों में अपने अरमान पूरे नहीं कर पाते, इसलिए रात के अंधेरे का सहारा लेते हैं, और हमारे छोटे मालिक जैसे कुछ छोटे मोटे नेता
जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, वो उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते और इन्हीं सब के चक्कर में हम जैसे लोग पिस जाते हैं। दूसरे दरबान ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, और वैसे भी तुम तो बहुत समय से यहाँ काम कर रहे हो। मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, मुझे तो यहाँ का हिसाब किताब ही समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ हवेली में काम करने वाले आधा से ज्यादा लोग बाहर के हैं, इस गांव के नहीं है, ये बड़ी अजीब बात है ना। इससे पहले कि दूसरा जवाब दे पाता, महादेव की कड़कती आवाज आई, यहाँ तुम लोगों को काम करने के लिए रखा गया है या पंचायत करने के लिए? पंचायत करने के लिए गांव में पंचायत घर है और सरपंच साहब भी हैं, इसीलिए तुम लोग यहाँ आपस में पंचायत मत करो। और यहाँ पर कौन कहाँ से आकर काम कर रहा है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुमको काम मिला है, रहने के लिए जगह मिली है और तुम्हारी तनख्वाह समय से मिल जाती है, तुम्हें बस उससे मतलब होना चाहिए। अगर छोटे मालिक के कान में इस तरह की कोई भी बात पहुंच गई ना, तो तुम लोग अभी उनके गुस्से से वाकिफ नहीं हो, उन्हें एक पल नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से निकाल कर फेंकने में। आई बात समझ में? तो आइंदा से ध्यान रखना, छोटे मालिक बस आ ही रहे, सावधान होकर खड़े हो जाओ, उनको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। महादेव की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक से ज्यादा गाड़ियां आ रही थी। देखते ही देखते दो जीप जाकर हवेली के बाहर खड़ी हो गई और उसमें से 6-7 आदमी उतरे और उतर कर सीधा अंदर चले गए। महादेव ने कहा, आप लोग रुक जाइए, छोटे मालिक बस आ ही रहे हैं। इतने में सुमेर भी आ गया। सुमेर ने आते ही उन लोगों से पूछा, काम हुआ? सुमेर के बात करने का लहजा बता रहा था कि ये सब के सब सुमेर के ही चमचे थे। उन आदमियों में से एक, जो शायद उन सबसे सीनियर था, उसने सर झुकाते हुए कहा, नहीं मालिक, अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमने चारों तरफ अपने लोगों को लगा दिया है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको तुरंत खबर करेंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुमेर ने एक बार तो गुस्से में उन सबको घूरा, फिर घड़ी देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास कब तक का समय है? उस आदमी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हमारे पास कल सुबह तक का समय है। और आप फिक्र मत करिए, कल सुबह से पहले ही आपका काम हो जाएगा। दरअसल हम यहाँ कुछ लेने आए थे। सुमेर ने कहा, क्या लेने आए हो? उस आदमी ने दरबानों की तरफ देखा और कहा, मालिक जरा इधर आइएगा। सुमेर उसके साथ साइड में चला गया तो उस आदमी ने कहा, वो एक फोटो मिल जाती तो हम अपने सभी लोगों को बांट देते, ढूंढने में आसानी रहती, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि और भी कोई उम्रदराज आदमी हो सकता है और आसपास का इलाका बहुत बड़ा है, ऐसे में किसी को फोटो दिखाकर कुछ पूछना हुआ तो सुविधा रहेगी। सुमेर बोला, ठीक है। इतना कहकर उसने महादेव को आवाज दी, महादेव इधर आओ। महादेव तुरंत सुमेर के बगल में चला गया तो सुमेर ने कहा, फोटो लेकर आओ। सुमेर की इस बात पर महादेव हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। सुमेर ने कहा, मुंह क्या देख रहे हो, फोटो लेकर आओ। महादेव बोला, फोटो? कौन सी फोटो मालिक? महादेव की इस बात से सुमेर को जैसे कुछ याद आया और उसने कहा, नहीं कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब है पानी लेकर आओ उन लोगों के लिए, इन लोगों को बिठाओ, चाय और पानी पिलाओ, बहुत थक गए काम करके, चाय पियेंगे तो दिमाग खुलेगा इनका, तब तक मैं आता हूँ। इतना कहकर सुमेर वहां से चला गया। महादेव हैरानी से उसे जाता हुआ देखता रहा और अपने मन में बोला, ये किस फोटो की बात कर रहा था और ये इतने सारे लोग? इसने तो मुझे कहा था कि इसकी राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। महादेव अपने मन में सोचता हुआ वापस गेट की तरफ बढ़ गया ताकि वो उन दरबानों को कह सके कि सारी लाइट्स बंद कर दे। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास आया और उन दरबानों को अपनी बात समझा रहा था, तभी उसकी नजर गेट के पास दूर तक फैली हुई झाड़ियों में गई। वहां उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पहले तो महादेव को लगा कि शायद उसका कोई वहम होगा, भला झाड़ियों में क्या चमक सकता था, लेकिन वही चीज दोबारा चमकी तब उसको यकीन हो गया कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। महादेव ने उन दरबानों से कहा, तुम लोग सतर्क रहना, मैं एक बार खुद आसपास घूमकर देख लेता हूँ कि सब ठीक है या नहीं, उसके बाद गेट बंद कर देना। दरअसल ये इतने खास लोग हैं कि हमें इस हवेली में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी ही होगी ना। इतना कहकर महादेव जल्दी जल्दी झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही देखा तो उसने पाया कि वो कोई घड़ी थी जिसके कांच पर रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो चमक रहा था। तभी उसे धीरे से कोई आवाज सुनाई थी, महादेव भैया इस तरफ। महादेव को ये आवाज कुछ जानी पहचानी से लगी। महादेव इधर उधर देखता हुआ बोला, ये तो मनवा के साले जुल्मी की आवाज है, लेकिन वो है कहाँ? तभी जुल्मी दोबारा बोला, इस तरफ देखिए। इतना कहकर उसने धीरे से अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर किया। महादेव ने जैसे ही जुल्मी का हाथ देखा, वो जल्दी जल्दी इधर उधर देखता हुआ उसके नजदीक गया तो उसने पाया जुल्मी के साथ साथ ध्रुव और विक्की भी वहीं थे। उन दोनों को देखकर महादेव ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगर गलती से भी सुमेर ने तुम लोगों को देख लिया ना, तो जानते हो वो क्या करेगा, वैसे भी इस वक्त वो बहुत पागल बना हुआ फिर रहा है।
तुम लोग जल्दी से जाओ यहाँ से। तुम लोग आखिर यहाँ क्या करने आए हो? ध्रुव ने कहा, भैया बहुत जरूरी काम है, इसीलिए तो हम लोग आए हुए हैं, ऐसे ही वापस नहीं जा सकते। प्लीज आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, हमें हवेली के अंदर जाना है और दरअसल यहाँ पर इतनी सारी रोशनी और लाइट्स हैं कि हम चाहकर भी अकेले कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे। महादेव ने कहा, लेकिन इस वक्त तुम्हें हवेली में जाना क्यों है? समझ रहे हो सुमेर अपने कितने लोगों के साथ यहाँ मौजूद है? बेमतलब में तुम लोग उनके हत्थे क्यों चढ़ना चाहते हो? चुपचाप घर चले जाओ, और अगर हवेली में कोई काम है, तुम्हारा अंदर जाना जरूरी है, तो मुझे समय दो, मैं मौका देखकर तुम लोगों को हवेली के भीतर ले जाऊंगा, लेकिन अभी जाओ, अभी समय सही नहीं है। जुल्मी ने कहा, अरे भैया हम चाहकर भी वापस नहीं जा सकते, दरअसल हवेली में जाना हमारी मजबूरी है, वरना आपके छोटे मालिक सुमेर सिंह इतनी महान हस्ती तो है नहीं कि उनके दर्शन के लिए हम रात के इस वक्त अपनी जान पर खेलकर यहाँ आएंगे, है ना? जुल्मी की बात महादेव को समझ नहीं आई। महादेव ने कहा, क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट कहो। जुल्मी रोता हुआ बोला, क्या बताए, हमारी अनन्या जी हवेली में फंस गई है। ये सुनते ही महादेव बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारी अनन्या जी? विकी ने तुरंत कहा, अरे भैया इसके कहने का मतलब है हमारी दोस्त अनन्या और हमारा एक और दोस्त सागर जो शहर से आया था, आपने देखा होगा उसे, और छलावा भी उनके साथ, वो तीनों ही अंदर फंसे हुए हैं। वो तीनों हवेली आए थे लेकिन अब तक घर नहीं लौटे हैं, और अब हमें उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ये सुनते ही महादेव ने अपना सर पीट लिया और बोला, ये क्या पागलपन है, तुम लोग जानते भी हो कि तुम लोगों ने क्या किया है, अगर वे तीनों पकड़े गए ना तो अब क्या ही बोलूं मैं। छलावा तो जैसे तैसे अपने आप को बचा लेगा, लेकिन वो अनन्या बेटा, वो तो अपनी मर्जी से ही कुछ नहीं करना चाहती, तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, और वो तीसरा जो भी है जहाँ से भी आया है, कैसे बचाओगे उन्हें? अगर वो तीनों तीन अलग अलग जगह जाकर फंसे होंगे तब क्या करोगे? इसीलिए तुम लोग भी तीन की संख्या में आए हो क्या कि तीनों अलग अलग जाकर तीनों को बचाओगे? तुम्हारा तो समझ में आता है ध्रुव, लेकिन ये विकी और ये जुल्मी, ये कैसे बचाएंगे किसी को? ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं भैया, वो तीनों अलग अलग जगह नहीं है, वो एक साथ ही होंगे, और इसीलिए हम एक साथ ही उन्हें ढूंढेंगे, आप हमारी फिक्र मत करिए। और वैसे भी अब आपको भी हमारी स्थिति पता चल गई है ना, तो आप भी तो थोड़ा सा ध्यान देंगे ही हम पर। महादेव ने कहा, तुम लोगों की एक दो बार मदद क्या कर दी, तुम लोगों ने तो मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी, अगर मैं तुम लोगों पर ध्यान दूंगा तो फिर मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। जुल्मी मायूस सा मुंह बनाकर बोला, तो भैया इसका मतलब आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगे, तो हमारी मदद कौन करेगा, अब हम क्या करेंगे, आप ही सोचिए। महादेव ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं तो अपना दुखड़ा बता रहा हूँ कि तुम लोगों के चक्कर में मैं खुद ही फंस गया हूँ, मदद तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना, अब तुम लोगों को ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता। ध्रुव ने कहा, तो हम अंदर कैसे जाएंगे भैया, बताइए कुछ सोचा आपने? महादेव ने कहा, दो मिनट तो दो मुझे सोचने के लिए, तुम लोग यहीं रहना, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर महादेव वापस गेट की तरफ बढ़ गया। जुल्मी बोला, क्या लगता है ध्रुव, ये हमारी मदद कर पाएंगे? ध्रुव ने कहा, हम उम्मीद कर सकते हैं, बाकी उन्होंने बोला है हमें यहाँ रुकना चाहिए, तो रुक कर इंतजार करते हैं, क्या पता कोई सलूशन मिल जाए। तभी वहां पर उस तरफ की एक लाइट बंद हो गई, और जिस तरफ ध्रुव अपने दोस्तों के साथ छुपा था वहां अंधेरा हो गया। जुल्मी चौंकता हुआ बोला, अरे बाप रे, लगता है बिजली चली गई या बल्ब फ्यूज हो गया क्या, इतना अंधेरा हो गया। ध्रुव इन झाड़ियों से निकले, अब इन झाड़ियों में सांप है, वो भी जहरीले, अगर काट पीट लिए ना तो अनर्थ हो जाएगा, अगर हमको कुछ हो गया तो सजनी और हमारा होने वाला बच्चा तो अनाथ ही हो जाएगा, और अनन्या जी भी बेचारी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, हमारा मतलब है हम सबको कुछ हो गया तो, ध्रुव को कुछ हो गया तो। इतना कहते हुए जुल्मी ने तिरछी नजरों से विकी और ध्रुव की तरफ देखा, वो दोनों उसे ही घूर कर देख रहे थे। तभी जुल्मी ने देखा सामने से सुमेर चला रहा था। जुल्मी बोला, अरे बाप रे, ये राक्षस कहाँ से आ गया? जुल्मी की ये बातें सुनते ही ध्रुव और विकी भी सामने देखने लगे। विकी बोला, कहीं इसे शक तो नहीं हो गया? ध्रुव ने कहा, मुंह बंद रखो, अगर शक नहीं भी हुआ होगा ना तो अब हो जाएगा। एपिसोड 791, एक्सीडेंट। सुमेर धीरे धीरे गेट से बाहर निकलकर झाड़ियों के आसपास पहुंच गया था और चौकन्नी नजरों से चारों तरफ देख रहा था। ध्रुव ने एक हाथ से जुल्मी का मुंह बंद कर रखा था और दूसरे हाथ से विकी का। विकी ध्रुव के हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्रुव ने एक बार उसे घूर कर देखा तो विकी झटपटा कर चुप हो गया। ध्रुव अपने मन में बोला, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी बोल देंगे और बैठे बिठाए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, ऐसे में इन दोनों का मुंह बंद ही रहे तो अच्छा है। सुमेर धीरे से चलता हुआ उसी जगह पहुंचने लगा जिधर ध्रुव छुपा हुआ था। वो उस जगह के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया और गौर से देखने लगा कि तभी पीछे से महादेव ने कहा, मालिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, सब ठीक तो है ना? इतना कहते हुए महादेव झाड़ियों में गौर से देखने लगा और अपने मन में बोला, कहीं इसकी नजर तो उन लोगों पर नहीं पड़ गई।
तभी सुमेर ने कहा, नहीं नहीं सब ठीक है, मैं बस ये देख रहा था कि आसपास बहुत सारी जंगली झाड़ियां उगाई हैं, इन सब की सफाई करवाओ। महादेव बोला, जी बिल्कुल, मैं खुद भी यही सोच रहा था, मैं कल ही यहाँ की सारी साफ सफाई करवा दूंगा। लेकिन मालिक, क्या आप अभी ये झाड़ियां देखने आए थे, वो भी रात के इस वक्त? आपके बहुत सारे मेहमान अंदर बैठे हुए हैं। सुमेर ने कहा, नहीं नहीं, तुमने कहा ना कि तुम सारी लाइट्स बंद करवा रहे हो, तो मैं एक बार आसपास देखकर अपनी आंखों से तसल्ली करना चाहता था, बस इसलिए आया था। वैसे सब ठीक ही है, तुम लाइट्स बंद करवा दो, लेकिन चौकन्ने रहना, वो लोग अब बस निकलने वाले हैं। इतना कहकर सुमेर वापस चला गया और महादेव ने राहत की सांस ली और धीरे से बोला, मैं जैसे ही रोशनी बंद करवाऊंगा, तुम तीनों सतर्क रहना और पिछली दीवार से कूदकर हवेली के भीतर आ जाना और मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही तुम लोगों को भीतर ले आऊंगा। इतना कहकर महादेव चला गया। कुछ ही देर में वहां चारों तरफ अंधेरा फैल गया। जैसे ही अंधेरा फैला, विक्की ने ध्रुव का हाथ हटाते हुए कहा, तूने क्या मुझे अपना पालतू समझ रखा है? भला इतनी जोर से कोई किसी का मुंह बंद करता है क्या? मेरा दम घुटने लगा था। ध्रुव ने कहा, तू अपने मुंह से सांस ले रहा है, तेरी नाक बंद चल रही है क्या? विक्की ने कहा, वो जो भी हो, मैं अपनी नाक से सांस लूं, अपने मुंह से सांस लूं या कहीं से भी सांस लूं, लेकिन तूने मेरा मुंह बंद क्यों किया? ध्रुव बोला, क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। तू जितनी बकबक कर रहा था ना, अगर सुमेर ने तेरी बकवास सुन ली होती और उसकी नजर हम पर चली गई होती तो बैठे बिठाए लेने के देने पड़ जाते। विक्की हैरानी से ध्रुव को देखता हुआ बोला, मतलब तुझे सुमेर से डर लगता है? तुझे लगता है कि तू सुमेर से जीत नहीं पाएगा? ध्रुव बोला, नहीं, मुझे सुमेर से डर नहीं लगता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उससे जीत नहीं सकता। लेकिन आपका दुश्मन आपसे कमजोर हो या ताकतवर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कुछ चीज उसकी गिरफ्त में हो तो ऐसे में दिमाग से ही काम लेना चाहिए। विक्की बोला, कीमती चीज? ध्रुव ने कहा, हाँ, सुमेर की इस मौत के कुएं में हमारे तीन तीन दोस्त फंसे हुए हैं। अब चल जल्दी कर, महादेव ने कहा था जैसे ही बत्ती बंद होगी हमें दीवारों से होते हुए दूसरी तरफ जाना होगा। वे तीनों संभालते हुए बगल की दीवार के पास आए और वहां पेड़ से होते हुए दूसरी तरफ चले गए। विक्की बोला, मानना पड़ेगा, ये पेड़ हमारा बहुत साथ देता है, न जाने कितनी बार इस पेड़ की मदद से हम हवेली में आए हैं। ध्रुव, विक्की और जुल्मी के साथ हवेली की दीवार के पास छुप कर खड़ा था। वे लोग वहां महादेव का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि जो लोग जीप से आए थे वो लोग सुमेर के साथ बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर निकल गए। तभी महादेव आया और बोला, जल्दी करो, यही समय है, सुमेर अपनी देखरेख में गेट को बंद करवाएगा और अभी उसे थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम लोग भीतर चले आओ। ध्रुव महादेव के साथ जल्दी से भीतर चलाए और वे लोग बैठक के रास्ते से होते हुए पिछले दरवाजे पर पहुंच चुके थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उन लोगों से वो दरवाजा नहीं खुला। ध्रुव ने कहा, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भीतर से इसको बंद कर रखा है। महादेव ने कहा, और किसने किया होगा? तुम्हारे दोस्तों ने ही किया होगा ना, वही लोग तो अंदर गए थे। ध्रुव बोला, तो अब क्या करें, कैसे जा सकते हैं? विक्की ने कहा, भूल गया, खिड़की का रॉड निकला हुआ है, खिड़की के रास्ते से इस कमरे में जाया जा सकता है। ध्रुव ने कहा, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। तभी महादेव बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर अब तुम लोग बाहर से होते हुए पीछे के हिस्से में जाओगे तो हो सकता है कि सुमेर की नजर तुम लोगों पर पड़ जाए, इससे अच्छा सुमेर के कमरे से जो रास्ता नीचे जाता है उसी रास्ते से तुम लोग चले जाओ तो जल्दी भी पहुंच जाओगे और सुमेर को कानो कान भनक भी नहीं लगेगी। ध्रुव बोला, हाँ ये भी ठीक है, तो जल्दी करिए। महादेव ने उन तीनों को सुरक्षित सुमेर के कमरे तक पहुंचा दिया और जैसे ही वो पलटा उसने देखा कि सुमेर उसके सामने खड़ा था। सुमेर महादेव को घूर कर देखता हुआ बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महादेव बोला, मालिक, वो मैं आपको ही ढूंढता हुआ आया था, लेकिन आप दिखे नहीं तो बस वापस लौट रहा था, मुझे लगा आप कमरे में होंगे। सुमेर ने कहा, अच्छा तो बताओ क्या बात है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? महादेव बोला, वो मालिक, मैं बस ये कहना था कि अगर मेरा मतलब है। सुमेर ने महादेव को घूरते हुए कहा, इस तरह से हकला क्यों रहे हो, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहते हो? महादेव बोला, मैं बस ये पूछना चाहता था कि अगर इस वक्त कोई जरूरी काम ना हो तो क्या मैं घर चला जाऊं? सुमेर एकदम से हैरानी से बोला, ये इतना जरूरी था कि ये कहने के लिए तुम इतना हकला रहे थे? इतना कहकर सुमेर ने घड़ी देखा और बोला, टाइम देखा है, इस वक्त तुम घर जाओगे? महादेव बोला, हाँ वो कुछ काम था तो इसलिए, आप बोलेंगे तो मैं बस सुबह सुबह ही चला आऊंगा और 2 घंटे में ही लौट आऊंगा। सुमेर बोला, ठीक है चले जाओ, किसी को बोल दो तुम्हें गाड़ी से छोड़ देगा, इतनी रात में कहाँ जाओगे अपनी साइकिल लेकर? महादेव बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। इतना कहकर वो फुर्ती से वहां से निकल गया और कुछ आगे जाकर गहरी सांस लेता हुआ बोला, आज तो मैं मर ही गया था, अगर सुमेर को गलती से भी भनक लग जाती ना कि मैंने क्या किया है तो वो मुझे जिंदा जमीन में काट देता, लेकिन अब क्या करूं।
उन लोगों को तो मैं बता भी नहीं सकता कि मैं हवेली से जा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल तो मैं अपनी जान बचा लेता हूँ। एक काम करता हूँ, घर जाकर सुमेर को फोन कर दूंगा कि मेरी बुआ बीमार है और मुझे तुरंत ही पाली से जाना पड़ रहा है। अगर ध्रुव और उसके दोस्त पकड़े गए तो कम से कम मैं सुमेर की पहुंच से दूर चला जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर जल्द से जल्द पाली से चला जाऊंगा। अगर मामला ठीक रहा तो लौट कर आऊंगा, और नहीं तो फिर कभी लौट कर ही नहीं आऊंगा। सही कहते हैं लोग, जाने तो जहाने। अभी महादेव अपने में इतना सोच ही रहा था कि तभी पीछे से सुमेर बोला, क्या हुआ, तुम अब तक गए नहीं? तुम्हें तो बहुत जल्दी थी ना, कोई जरूरी काम भी था और अभी तक यहीं खड़े हो? और ये क्या अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हो? अकेले में बात करने की बीमारी हो गई है क्या तुम्हें? सुमेर की आवाज पर महादेव ने चौंकते हुए पीछे पलट कर देखा और बोला, जी मालिक, वो मैं सुमेर बोला। अब ये तुम्हें हकलाने की बीमारी कब से लग गई? अभी थोड़ी देर पहले भी मैं कर रहे थे और अब फिर से मैं कर रहे हो? ये क्या बकरी की तरह मिमिया रहे हो? महादेव ने कहा, नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैं ये सोच रहा था कि आपने बोला ना कि मैं किसी को बोलूं कि कोई गाड़ी से मुझे घर छोड़ दे, तो इस वक्त मैं किसे परेशान करूं? और कोई है भी तो नहीं, सब सोए हुए होंगे, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी साइकिल से ही चला जाता हूँ। और वैसे भी मेरा घर दूर ही कितना है, और अपना ही तो गांव है, इसमें डरने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, सुमेर ने कहा। मैंने कहा ना तुम्हें कोई छोड़ आएगा। इतना कहकर सुमेर ने दरबान को आवाज लगाई। दरबान भागता हुआ आया तो सुमेर बोला, जाकर महादेव को जीप से इसके घर तक छोड़ दो, इसे घर पर कोई जरूरी काम है और इस वक्त इसका साइकिल से जाना ठीक नहीं होगा। अब तो ठीक है ना महादेव, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दे तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? महादेव बोला, नहीं नहीं मालिक, कोई परेशानी नहीं है। तब तक वो दरबान जीप लेकर आ चुका था। सुमेर ने महादेव के कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा दबाव बनाते हुए कहा, तुम मेरे बहुत खास हो महादेव, और तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अब देखो ना, मनवा मेरा बहुत खास था, लेकिन इतना खास होने के बाद भी उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ गद्दारी की, तो तुमने देखा ना उसका क्या अंजाम हुआ। लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, चाहे कोई कैसा भी निकले, लेकिन तुम मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं करोगे, तुम मेरे वफादार हो, है ना? महादेव घबराता हुआ बोला, जी जी मालिक बिल्कुल, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन आपके साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे लिए आपकी वफादारी ही मेरे जीवन की पूंजी है। सुमेर मुस्कुराता हुआ बोला, उसकी फिक्र तुम मत करो, अगर तुमने मेरे साथ गद्दारी की तो तुम्हें अपनी जान देनी ही पड़ेगी। तुम्हें तो ये पता ही है मैं कभी भी धोखा देने वालों को माफ नहीं करता। अब जाओ, जल्दी जाओ, कहीं तुम्हारे जरूरी काम में कोई देर ना हो जाए। महादेव तुरंत जीप में बैठ गया और अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछने लगा। जीप आगे बढ़ गई और पीछे खड़ा सुमेर मुस्कुराता हुआ बोला, महादेव तुम्हें क्या लगता है, सुमेर सिंह की सिर्फ दो आंखें हैं? सुमेर सिंह की हजारों आंखें हैं, और उसके घर के अंदर रहकर उसका नमक खाने वाला कुत्ता उसी पर भौंकना शुरू कर दे, भले ही बंद आवाज में, तो भी उसे सब कुछ पता चल ही जाता है। इतना कहते हुए सुमेर मुस्कुराता हुआ वापस पलटा और अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन वो बार बार घड़ी देख रहा था, जैसे उसे समय का इंतजार हो या किसी खास चीज के होने का इंतजार हो, कि तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सुमेर मुस्कुराता हुआ उठकर बैठ गया और खुद से बोला, लगता है काम हो गया। सुमेर ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने दूसरा दरबान खड़ा था, जो घबराया हुआ नजर आ रहा था। सुमेर बोला, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है, कोई दिक्कत? दरबान घबरा कर बोला, वो मालिक वो गाड़ी पलट गई, जीप पलट गई, अभी जिस जीप से महादेव भैया को भेजा था वो जीप जैसे ही कुछ आगे गई, पता नहीं कैसे एकदम से पलट गई, और इतने में सुमेर बोला, पहले सांस ले लो और फिर बोलो, और क्या, वो लोग ठीक तो है ना, किसी को कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी, वैसे भी मिट्टी का रास्ता है, क्या ही लगी होगी। दरबान सुमेर के इतने आराम से बोलने पर थोड़ा सा तो हैरान भी था, लेकिन फिर उसने घबराते हुए कहा, नहीं मालिक, वो बात ऐसी है कि वो इतना बोला ही था कि सुमेर ने कहा, अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, और यहाँ खड़े होने से कोई मतलब नहीं है, चलो हम चलकर देखते हैं। इतना कहकर सुमेर मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया। वो दरबान हैरानी से बोला, आखिर छोटे मालिक को हो क्या गया है, इतनी बड़ी बात हो गई है और वो मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं जानना चाहा कि? अभी वो इतना सोच ही रहा था कि सुमेर बोला, आओ चलो, तुम्हारा साथी भी तो था उस जीप में, वही तो जीप चला रहा था, तुम्हें उसे नहीं देखना है? दरबान ने कहा, मालिक वो तो बिल्कुल ठीक है, उसे बस हल्की सी खरोच आई है, उसी ने तो आकर ये बात बताई है। सुमेर बोला, अच्छा तो महादेव कहाँ है? दरबान ने कहा, वो जीप से गिर गए और जंगल में लुढ़क गए, लेकिन कहीं नहीं मिले, फिर उसके बाद कहाँ गए पता ही नहीं चल पा रहा है, हैरानी की बात है, वहाँ ना तो खाई और ना ही ऐसा कुछ कि वो कहीं छुप पाए। सुमेर मुस्कुरा कर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई भूत प्रेत ले गया हो? सुमेर की बात से वो दरबान खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देखने लगा।
एपिसोड 792, महादेव लेगा जान। सुमेर के बाद से दरबान बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। सुमेर ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? इतना कहकर सुमेर पीछे पलट कर चल दिया। दरबान वहीं खड़ा हैरानी से सुमेर को जाते हुए देखता रहा, क्योंकि उस बेचारे को सुमेर का ये बर्ताव समझ में नहीं आया। आमतौर पर सुमेर तो किसी नौकर से ज्यादा बात भी नहीं करता था, ऐसे में जब आज वो इतनी बातें कर रहा था और वो भी इतनी अजीब सी बातें, ये उस बेचारे के लिए हैरान करने वाली थी। जल्दी सुमेर उस जगह पर था जहाँ जीप उल्टी पड़ी थी। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, वहां सिर्फ घना जंगल फैला हुआ था और हर तरफ अंधेरा छाया था। लेकिन सुमेर उस जगह पर मुस्कुराते हुए खड़ा रहा और तभी उसे अपने पीछे से कुछ हलचल सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा था। सुमेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो सामने महादेव खड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था और हाथ में भी कई जगह चोट लगी हुई थी। वो काफी जख्मी था। सुमेर ने उसे सर से पैर तक देखते हुए कहा, सुना था तुम इन जंगलों में खो गए हो, कहीं मिल नहीं रहे हो? महादेव बड़े आराम से बोला, मैं कहाँ खो सकता हूँ, आपकी छत्र छाया में रहने वाला कभी खो सकता है क्या? सुमेर के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? महादेव ने कहा, जी बिल्कुल। इतना कहकर महादेव आगे आया और उसने पलटी हुई जीप को अपने हाथों से एक ही बार में सीधा कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लोहे से बनी भारी भरकम जीप नहीं थी, बल्कि कोई मामूली सा खिलौना था जो कि आसानी से अकेले महादेव से मैनेज हो गया। महादेव उस जीप पे बैठकर जीप को स्टार्ट करके वहां से चला गया। सुमेर भी घर की तरफ लौट आया, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग सी दरिंदगी नजर आ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। एक तरफ जहां सुमेर अपने किसी इरादे को अंजाम देने की कगार पर था, वहीं दूसरी तरफ घर पर तारा पुजारी जी के पास ही कुर्सी पर बैठी हुई थी और तखत पर टेक लगाकर सो गई थी। पुजारी जी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी उन्हें लगा जैसे बाहर से किसी की आवाज आई। पुजारी जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, तारा बिटिया, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कोई आया है, कहीं वो लोग लौट कर तो नहीं आ गए, बाहर जरा देखना। तारा ने कहा, नहीं तो मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, और वैसे भी वो आएंगे तो दरवाजा खटखटा ही लेंगे ना, जरूर आपको कोई वहम हुआ होगा, आप सो जाइए। पुजारी जी वापस सो गए और तारा ने भी वापस अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार उसे भी ऐसा लगा जैसे कोई तेजी से गेट के बाहर चहलकदमी कर रहा हो। तारा ने घबराते हुए कहा, बाहर कोई तो है, मुझे भी एहसास हुआ। पुजारी जी बड़ी मुश्किल से दीवारों का सहारा लेकर उठकर बैठ गए और बोले, लेकिन ये ध्रुव तो नहीं हो सकता ना, अगर वो लोग होते तो जैसा तुमने कहा वो दरवाजा खटखटाई देते। तारा ने कहा, हाँ वही तो, एक मिनट में देखती हूँ। इतना कहकर तारा ने खिड़की खोली और झांक कर बाहर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाहर सन्नाटे के सिवाय कोई नहीं था, लेकिन उन कदमों की आवाज वो साफ सुन पा रही थी। तारा ने घबराते हुए कहा, पुजारी जी बाहर तो बस कदमों की आहट है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। पुजारी जी बोले, खिड़की बंद करो जल्दी, और बाकी सभी कमरों की खिड़कियां देख लो, हर कमरे की खिड़की अच्छी तरह से बंद है ना? तारा ने जल्दी से खिड़की को बंद किया और सारे कमरों में भी एक बार चेक कर लिया, साथ ही साथ वो आंगन के पिछले दरवाजे को भी देख कर आ गई। सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद थे। तारा ने कहा, जी पुजारी जी सब बंद है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये कदमों की आहट आखिर आ कहां से रही है। पुजारी जी ने कहा, शायद उन लोगों को पता चल गया है कि मैं यहां हूं। तारा बोली, आपका मतलब है सुमेर को? पुजारी जी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, सुमेर को और सुमेर के साथियों को, शायद वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। ये सुनकर तारा के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट नजर आने लगी। पुजारी जी ने कहा, अब क्या होगा बिटिया? तारा बोली, आप परेशान मत होइए, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको कमरे में लेकर चलती हूँ और मैं उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगी, आप बस चुपचाप कमरे में ही रहिएगा। पुजारी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाहर छोड़कर अकेले अंदर नहीं छुप सकता, तुम फिकर मत करो, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल मत घबराओ। तारा ने कहा, मैं घबरा नहीं रही हूँ पुजारी जी, मुझे आपकी चिंता हो रही है, ध्रुव ने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, आपको सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। पुजारी जी ने कहा, लेकिन मुसीबत में तो हम दोनों ही है ना बिटिया, इसीलिए हम दोनों ही एक दूसरे की जिम्मेदारी है। अभी वो इतना बोले ही थे कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। तारा ने चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखा और कुछ सेकंड तक दरवाजे को देखती रही, तभी दोबारा से दस्तक हुई। तारा ने धीरे से पूछा, कौन कौन है बाहर? कुछ सेकंड के बाद आवाज आई, तारा मैं हूँ, महादेव, दरवाजा खोलो। महादेव की आवाज सुनकर तारा को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ। तारा ने पुजारी जी की तरफ देखा और बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो महादेव भैया हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं, इनसे घबराने की कोई बात नहीं है। इतना कहकर तारा जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, वो एकदम से रुकी और पुजारी जी से बोली,
आपने कहा था ना कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब सुमेर ने किया है। पुजारी जी ने हाँ में सिर हिलाया तो तारा बोली, क्या आपने महादेव भैया को भी देखा? मतलब वो भी कभी आपके आसपास आए थे आपसे मिलने? आपकी कंडीशन के बारे में क्या उनको कुछ पता था? पुजारी जी ने इनकार में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं वो तो मुझे कभी नहीं दिखा और ना मुझे कभी ऐसा लगा कि वो मेरे आसपास आया हो। मुझे नहीं लगता कि उसे मेरे बारे में कुछ पता हो सकता है, क्योंकि मैं कोई अजीब सी जगह पर था जहां मैंने सिर्फ सुमेर को ही देखा था और कुछ अलग सी चीजें भी थी। तारा कुछ सोचते हुए बोली, पुजारी जी आप एक काम करिए, आप कमरे में जाइए। पुजारी जी ने कहा, लेकिन क्यों? अभी तुमने कहा ना कि वो तुम लोगों का साथ दे रहे हैं, तो मुझे उससे छुपने की क्या जरूरत है? तारा ने कहा, वो मुझे नहीं पता पुजारी जी, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप जाइए और कमरे में छुप जाइए। पुजारी जी बोले, ठीक है, अगर बाहर महादेव है तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। पुजारी जी जैसे ही कमरे में जाने वाले थे कि तभी तारा ने कहा, नहीं एक मिनट रुक जाइए। पुजारी जी ने कहा, अब क्या हो गया? तारा बोली, आप घर से ही बाहर चले जाइए। पुजारी जी बोले, ये तुम क्या कह रही हो तारा बिटिया, तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो तुमने कहा कि महादेव तुम लोगों का साथ दे रहा है और अभी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तारा ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है कि आप उनके सामने आए या उनको महसूस भी हो कि आप यहाँ हो सकते हैं। आप यहाँ से चले जाइए, आप पिछले आंगन के दरवाजे से घर के बाहर निकल जाइए। पुजारी जी ने कहा, लेकिन ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगा, वो भी इस वक्त? तारा ने कहा, जुल्मी के घर। इतना कहकर तारा भागते हुए कमरे में गई और कंबल लेकर आई और पुजारी जी को देकर बोली, इससे खुद को अच्छी तरह से लपेट लीजिए और जल्द से जल्द जुल्मी के घर चले जाइए। पुजारी जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि तारा आखिर ये सब क्यों और क्या कर रही थी, और तो और उनकी शारीरिक हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो ढंग से चल फिर भी पाते। लेकिन तारा के जोर देने पर उन्होंने अपने आप को कंबल में लपेटा और जबरदस्ती अपने पैर को घसीटते हुए लंगड़ाकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। तारा ने तुरंत पिछला दरवाजा बंद किया और अंदर आ गई और अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए जोर जोर से सांस लेने लगी। तभी फिर से दस्तक हुई, तारा दरवाजा खोलो। लेकिन इस बार दरवाजे पर जो दस्तक थी वो पहले से ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था कि दस्तक देने वाला अब गुस्से में था। तारा ने जल्दी दरवाजा खोला तो सामने महादेव था। उसके माथे से खून बह रहा था और हाथों में जगह जगह जख्म के निशान लगे थे। महादेव अजीब सी पथरीली नजरों से तारा की तरफ देख रहा था। तारा को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आदमी को जानती ही नहीं थी। महादेव को अपने सामने देखकर उसे चिढ़न सी होने लगी थी। वो मन ही मन बोली, मुझे ये सामान्य आदमी जैसे क्यों नहीं लग रहे हैं? इनकी आंखें, इनके हाव भाव, ये सब कुछ अलग लग रहा है। तारा ने आहिस्ता से पूछा, महादेव भैया आपकी ये हालत कैसे हुई? आपके सर से तो बहुत खून बह रहा है और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसी हालत में? महादेव ने एकदम से तारा को किनारे किया, उसे लगभग धक्का दिया और घर के भीतर चला गया। उसकी इस हरकत पर तारा बुरी तरीके से डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, आपने बताया नहीं आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी ये हालत कैसे हुई? अब की बार महादेव ने तारा को घूर कर देखा तो तारा बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले बैठ जाइए, मैं आपके जख्मों पर दवाई लगा देती हूँ। इतना कहकर तारा कमरे में गई और तुरंत दवाई का बॉक्स ले आई, और जैसे ही वो महादेव के जख्म पर मरहम लगाने लगी, महादेव एकदम से उठकर खड़ा हो गया और बोला, कहाँ है वो? तारा ने कहा, कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? महादेव बोला, पुजारी। तारा ने कहा, पुजारी? पुजारी जी भला यहाँ क्यों होंगे? वो तो काफी समय से गायब है ना, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप होश में तो हैं? महादेव ने कहा, पुजारी कहाँ है? तारा बोली, फिर से वही बात, मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं पता, कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए इस वक्त घर में कोई नहीं है, अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई तमाशा हो। अभी तारा इतना बोली ही थी कि महादेव ने एकदम से उसका गला पकड़ लिया और उसके गले पर दबाव बनाता हुआ बोला, मैंने पूछा कहाँ है वो, कहाँ छुपाया उसे, जल्दी से उसे मेरे सामने लाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तारा को ऐसा लग रहा था जैसे बस अब उसका दम घुट ही जाएगा। तारा बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे नहीं पता, छोड़िए मुझे, मेरा दम घुट रहा है, आप बहुत गलत कर रहे हैं, अगर ध्रुव को पता चला तो आप जानते हैं उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपने हिसाब से तारा महादेव को हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन महादेव था कि टस से मस नहीं हो रहा था। तारा की आंखों में आंसू भर गए और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और वो छटपटाने लगी थी। तारा एक एक शब्द मुश्किल से बोली, मुझे छोड़िए महादेव भैया, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सच में नहीं पता आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इतना कहते हुए तारा ने महादेव के चेहरे की तरफ देखा और जब तारा ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं।
महादेव की आंखें बिल्कुल काली थी, उसकी आंखों में सफेद हिस्सा था ही नहीं। तारा समझ गई कि उसे जो एहसास हो रहा था वो बिल्कुल ठीक था। ये वही हवा था, वायुत्रा था, जिसने पुजारी जी को लाते समय ध्रुव का रास्ता रोका था और अब उसने महादेव के शरीर में अपना घर बना लिया था। इसका मतलब ये था कि महादेव मर चुका था। ये सोचते हुए तारा के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी हालत भूल गई थी। उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि अब महादेव इस दुनिया में नहीं रहा। ये सोचते हुए तारा जल्दी जल्दी अपने दोनों हाथ चलाने लगी और अपने नाखूनों से उसके हाथ को खरोचने लगी ताकि उसकी पकड़ कुछ ढीली हो, लेकिन वो चट्टान की तरह जमा रहा। अब तारा को ऐसा महसूस होने लगा शायद अब यही उसका आखिरी समय था। उसने अपनी कोशिश छोड़ दी और अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। एपिसोड 793, लाश की मिस्ट्री। तारा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी और साथ ही उसकी सांसें भी कम होने लगी थी कि तभी टक जैसी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कुछ भारी भरकम सी चीज उसके नजदीक आकर टकराई हो। तारा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोला तो उसे सामने धुंधला धुंधला सा कुछ नजर आया। वो ठीक से देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर महादेव की पकड़ ढीली होती चली गई और महादेव एकदम से जमीन पर गिरा। तारा भी लड़खड़ाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसे ध्रुव की आवाज आई। तारा, तारा मैं हूँ, तारा होश में आओ, हिम्मत करो। लेकिन तारा की आंखें धीरे धीरे बंद हो ही गई और तभी अचानक तारा को अपने चेहरे पर पानी की ठंडक महसूस हुई और उसकी आंखें खुल गई, लेकिन अभी भी उसे सब कुछ धुंधला धुंधला ही नजर आ रहा था। अपनी धुंधली नजरों से ही तारा को अपने सामने ध्रुव नजर आया। वो बड़ी मुश्किल से बोली, ध्रुव ये तुम हो? ध्रुव ने कहा, हाँ तारा मैं हूँ, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो? तारा बोली, हाँ मैं ठीक हूँ या शायद नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो महादेव, वो मुझे जान से मारना चाहता था, लेकिन वो महादेव नहीं था। ध्रुव बोला, हाँ वो महादेव नहीं है, बल्कि महादेव की तो मौत हो चुकी है और महादेव के शरीर में वायुत्रा का वास हो चुका है। अब तक तारा को काफी बेहतर लग रहा था। वो धीरे से उठकर बैठ गई और तभी एकदम से उसे कुछ याद आया। उसने कहा, विकी कहाँ है? तुम तो उसी के साथ थे ना? वो तो घर से ये कहकर निकला था कि वो तुम्हारे साथ जा रहा है, बल्कि उसने तो जुल्मी को भी फोन किया था। जुल्मी भी तुम्हारे साथ जाने वाला था, तो तुम अकेले कैसे लौटे हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लौटा नहीं हूं तारा। ये सुनकर तारा हैरान होकर ध्रुव की तरफ देखने लगी। ध्रुव ने तारा के सर पर हाथ रखा और बोला, अपना ध्यान रखना, पुजारी जी घर के बाहर ही पिछले हिस्से में खड़े हैं, उन्हें भीतर ले आओ। इतना कहकर ध्रुव उठकर खड़ा हुआ और चुपचाप दरवाजे से बाहर चला गया। तारा को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। तभी उसे ध्यान आया कि ये ध्रुव नहीं था, ये ध्रुव का प्रतिरूप था जिसे ध्रुव ने तारा की हिफाजत के लिए भेजा था, जैसा कि वो पहले भी कई बार लोगों की मदद करने के लिए कर चुका था। ध्रुव के बारे में सोचते हुए उसे एकदम से पुजारी जी का ख्याल आया। ध्रुव ने कहा था पुजारी जी पिछले दरवाजे पर ही खड़े थे। तारा ने अपने आप को संभाला और भागते हुए आंगन में गई और पिछले दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली, पुजारी जी क्या आप यही है? पुजारी जी ने धीरे से कहा, हाँ बिटिया मैं यही हूँ। तारा ने जैसे ही दरवाजा खोला, पुजारी जी अंदर आए और तारा ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वे दोनों जैसे ही लौटकर बरामदे में आए, तारा की हालत देखकर पुजारी जी ने घबराते हुए पूछा, ये क्या हो गया तुम्हें? तारा ने जब उन्हें सारी बातें बताई तो पुजारी जी के भी होश उड़ गए। साथ ही उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ईश्वर, महादेव के प्राण चले गए, बहुत दुख हुआ। उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन उसने चुनाव भी तो बहुत गलत व्यक्ति का किया था। इंसान जब गलत व्यक्ति का चुनाव करता है तो उसका अंत भी बहुत दुखदायी होता है। तारा ने कहा, हो ना हो सुमेर को पता चल गया होगा कि महादेव हमारी मदद कर रहा है और इसी वजह से सुमेर ने उसकी जान ली होगी। पुजारी जी ने कहा, हाँ वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। महादेव तो फिर भी उसका एक मामूली सा चमचा था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बिटिया, ध्रुव एकदम मौके पर कैसे आ गया और फिर वो चला भी गया? तारा ने कहा, वो ध्रुव है पुजारी जी, वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर पुजारी जी हैरानी से तारा का मुंह देखने लगे और बोले, क्या मतलब वो कुछ भी कर सकता है? तारा के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, पहले आप आराम कीजिए, अभी इस बारे में जानने का समय नहीं है। पुजारी जी ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारी बातें मुझे बहुत रहस्यमय लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता। अब मामला सिर्फ ध्रुव और सुमेर के आपसी झगड़े का नहीं रहा, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, मैं सही कह रहा हूँ ना? तारा ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुजारी जी बोले, तो बताओ मुझे क्या बात है? तारा ने कहा,
आप ध्रुव से सब कुछ खुद ही पूछ लीजिएगा। मुझसे बेहतर वही आपको आपके सवालों का जवाब दे पाएगा, लेकिन उससे पहले आपको सारी बातें बतानी होगी कि आप कैसे उन लोगों के चंगुल में फंस गए और इतने दिनों तक आप किस कंडीशन में थे। पुजारी जी ने कहा, मैं तो सब बताऊंगा ही बिटिया, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा हो तो तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। देखो इस वक्त वैसे भी हम दोनों ही हैं, और अब मुझे भी नींद नहीं आ रही है, ना ही कुछ और करने की इच्छा हो रही है, और अभी अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है, तो सोने से बेहतर यही होगा कि तुम मुझे सारी बातें बता दो। तारा ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है पुजारी जी, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि सब सच जानने के बाद आप किसी तरीके का कोई गिल्ट अपने अंदर, कोई आत्मग्लानी नहीं लेंगे। पुजारी जी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तारा बोली, बस पहले आप वादा तो कीजिए। पुजारी जी ने कहा, ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। तारा पुजारी जी के सामने ही कुर्सी पर बैठ गई और उन्हें ध्रुव के बारे में शुरू से सब कुछ बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे तारा बोलती जा रही थी, पुजारी जी की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तारा के मुंह से निकला एक एक शब्द उनके कानों पर पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रहे थे। जिस ध्रुव को उन्होंने इतना अपमानित किया था, जिसको उन्होंने बार बार नीचा दिखाया, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, वो ध्रुव जो उनके सम्मान के लायक था, उस ध्रुव को सम्मान देना तो दूर, उन्होंने कभी उससे ढंग से बात तक नहीं की। ये सारी बातें अब पुजारी जी को भीतर ही भीतर परेशान करने लगी थी। तारा उनकी परेशानियों को साफ महसूस कर पा रही थी। तारा बोली, पुजारी जी सबसे पहले तो आप अपने इस गिल्ट को हटाइए। आपने मुझसे वादा किया था ना, आप अपने भीतर किसी आत्मग्लानी को नहीं आने देंगे, और अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, तो प्लीज थोड़ा सा सब्र रखिए और मेरी पूरी बात सुनिए। एक तरफ जहां तारा पुजारी जी को ध्रुव के बारे में और इतने दिनों में उनके सफर में क्या हुआ वो सब कुछ बता रही थी, वहीं दूसरी तरफ हवेली के निचले हिस्से में ध्रुव विकी और जुल्मी के साथ खड़ा था। ध्रुव की आंखें उस वक्त बंद थी। कुछ ही देर के बाद जैसे ही ध्रुव की आंखें खुली, उसने देखा विकी और जुल्मी उसके ठीक सामने खड़े थे और उसे गौर से देख रहे थे। ध्रुव ने कहा, क्या हो गया, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विक्की बोला, तुझे क्या हो गया था, ऐसा लग रहा है जैसे बस तेरा शरीर यहाँ था और तू खुद कहीं और चला गया था। ध्रुव ने कहा, ऐसा ही समझ ले, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना। जुल्मी ने विक्की की तरफ देखा और बोला, कुछ समझ में आया? विक्की बोला, अगर मुझे इसकी बातें समझ में आती तो मैं तारा नहीं होता, इसकी बातें सिर्फ तारा को समझ में आती है और किसी को नहीं। तभी जुल्मी अपनी नाक पर हाथ रखता हुआ बोला, कितना बदबू है यहाँ। विक्की ने कहा, वही तो, और ऐसी जगह पर हमारे दोस्त इतनी देर से फंसे हुए हैं, आखिर वो लोग हैं कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्रुव ने कहा, वो सामने की तरफ चट्टान देख रहे हो, पिछली बार जब हम यहाँ पहुंचे थे तो वहीं गए थे, लेकिन वहां पर सिर्फ एक बड़ी सी गुफा जैसा हॉल है, अगर वहां कोई भी जाएगा तो वहां उसके छुपने की कोई जगह नहीं है। विक्की ने कहा, तो तू क्या कहना चाहता है? ध्रुव ने कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छलावा सागर और अनन्या कहीं और होंगे। विक्की ने कहा, क्या कहना चाहता है, क्या मतलब वो कहीं और है? पहले तूने बोला कि वो हवेली के नीचे बेसमेंट में है, और अभी कह रहे हैं कि वो तीनों कहीं और है। ध्रुव ने कहा, अरे बेवकूफ, मतलब वो तीनों यहीं पर हैं, लेकिन पिछली बार हम जहां गए थे बस वहां, उस जगह पर नहीं है। इतना कहकर ध्रुव ने विक्की का सर पकड़ा और उसे इधर उधर घुमाते हुए कहा, देख रहा है ये जगह कितनी दूर तक फैली हुई है? विक्की ने आसपास देखते हुए कहा, लेकिन तुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत सी शांत सी जगह है? पिछली बार नीचे का हिस्सा बिल्कुल अलग था, जगह जगह राख और अंगारे थे, एक अलग सा माहौल लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त यहाँ कोई नहीं है सिवाय खामोशी के, और जहां तक मैं समझ रहा हूँ इन सारे फसाद की जड़ यहीं से शुरू होती है, तो ये जगह इतनी नॉर्मल तो नहीं हो सकती ना। जुल्मी बोला, तुम ये कहावत सुने हो कि तूफान के आने से पहले बहुत खामोशी रहता है? ध्रुव ने कहा, जुल्मी बिल्कुल सही कह रहा है। विक्की ने कहा, हमें महादेव को अपने साथ ले लेना चाहिए था, वो तो यहाँ पहले भी कई बार आया होगा, और यहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में भी उसे पूरी खबर होगी। ध्रुव बोला, अब महादेव हमारे किसी काम का नहीं रहा। विक्की ने कहा, क्यों, कहीं वो सुमेर के हाथों पकड़ा तो नहीं गया? ध्रुव ने कहा, महादेव मर चुका है। ये सुनते विक्की और जुल्मी दोनों फटी आंखों से ध्रुव की तरफ देखने लगे, लेकिन ध्रुव का चेहरा हमेशा की तरह शांत नजर आ रहा था। विक्की ने कहा, मर चुका है, कैसे, तुझे कैसे पता चला? तू तो हमारे साथ ही था ना, और महादेव तो खुद हमें सुमेर के कमरे तक छोड़कर गया था, तब तक वो भला चंगा था, तो वो कैसे मारा जा सकता है? ध्रुव ने कहा, सुमेर ने बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी,
उसे शायद पहले से ही पता था कि महादेव कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहा था, और जहां तक मैं समझ रहा हूँ शायद उसने आज हमें महादेव से बात करते हुए भी देख लिया होगा। उसके बाद ही उसने एकदम से ये फैसला लिया होगा। सुमेर अच्छी तरीके से जानता है कि हम उसकी हवेली में हैं और यहाँ पर हैं, और इसी बात का मौका देखकर उसने महादेव को रास्ते से हटा दिया। इतना ही नहीं, उसने पुजारी जी को ढूंढने के लिए महादेव के शरीर का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। वायुत्रा महादेव के शरीर को लेकर घर तक चला गया था। विकी ने कहा, ओह अच्छा, तो अभी जब मैंने तुझे कहा कि तू यहाँ नहीं था, सिर्फ तेरा शरीर यहाँ था, हकीकत में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तू हमारे साथ था, तो इसका मतलब कहीं तू घर पर। विकी इतना बोला ही था कि ध्रुव ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तू बिल्कुल ठीक समझ रहा है। उसने तारा पर हमला कर दिया था और पुजारी जी की जान को भी खतरा था, इसलिए मेरा वहां जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी था। लेकिन अभी के लिए तो वो मुसीबत टल गई है, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत है जो हमारे ऊपर आने वाली है, और हैरानी की बात यह है कि इसके बारे में मुझे पता है, लेकिन चाहकर भी मैं उस मुसीबत को सॉल्व नहीं कर सकता। विकी ने हैरानी से पूछा, कैसी मुसीबत? इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमारे दोस्त फंसे हुए हैं, उनका कोई पता नहीं चल पा रहा, और तू कह रहा है कि इससे भी बड़ी कोई मुसीबत है। ध्रुव भाई, अब तो मुझे घबराहट हो रही है, जुल्मी एकदम से बोला। हाँ तुम घबराते रहो, हम तो जा रहे हैं अनन्या जी को ढूंढने। अरे यहाँ तक आ गए तो अब क्यों डरना और क्यों घबराना? अनन्या जी को लिए बिना तो हम वापस जाएंगे नहीं। इतना कहकर जुल्मी आगे बढ़ने लगा कि विक्की ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुक जा उत्साहित प्राणी, आधी अधूरी बात सुनकर अनन्या को बचाने चल पड़ा है। पता चला अनन्या तो बची नहीं, लेकिन तू खुद मुसीबत में पड़ जाएगा, फिर तुझे कौन बचाएगा? ध्रुव ने कहा, जुल्मी पेशेंस से काम लो। जुल्मी बोला, हाँ पेशेंट ही बनने वाले हैं और शायद लाश भी जल्दी ही बच जाएंगे। विकी ने जुल्मी के सिर पर हल्का सा थप्पड़ लगाते हुए कहा, वो सब्र रखने को कह रहा है, मरीज बनने को नहीं कह रहा है। और क्या तू भी ध्रुव ऐसी सिचुएशन में इसके सामने इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर रहा है? ये तो अंग्रेजी की धज्जियां उड़ाने में एक पल नहीं लगाएगा। वैसे ये तो बता कि तू कौन सी मुसीबत की बात कर रहा था जो आने वाली है? ध्रुव ने कहा, सुमेर ने जानबूझकर महादेव की बॉडी को हमारे घर तक पहुंचाया था। एपिसोड 794, ध्रुव और गिल्ट। ध्रुव ने जब कहा कि सुमेर ने महादेव की बॉडी को जानबूझकर उनके घर पर पहुंचाया था, तो ये सुनकर विकी घबरा कर बोला, क्या बात कर रहा है तू? अरे भाई अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव की बॉडी वहां देखकर उसके मर्डर के इल्जाम में हम सब अंदर चले जाएंगे? जुल्मी ने कहा, हम सब अंदर क्यों होंगे, तुम अपना बात करो, वो घर किसका है? विकी बोला, मेरा। जुल्मी ने कहा, तो जो घर का मालिक है वो कहाँ बचेगा, और हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो अपने घर में रहते हैं, हमको तो तुम्हारे घर से कोई मतलब ही नहीं है, तो फंसोगे तो तुम ही विकी। हमको तो लगता है कहीं तुमको फांसी का सजा ना हो जाए, अगर तुमको फांसी का सजा हो गया तो? विकी एकदम से घबराते हुए ध्रुव की तरफ देखने लगा। ध्रुव ने कहा, क्या मनहूसों जैसी बात कर रहा है जुल्मी, मुंह बंद रखना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जुल्मी बोला, अरे तुमको कुछ नहीं पता है, हम सिनेमा में सब देखे हैं, जब कोई किसी को ऐसा फंसाता है ना, तो जिसका घर होता है वही पकड़ा जाता है, चाहे वो कितना भी सफाई दे उसको कोई नहीं बचा पाता, और अभी तो फंसाने वाला सुमेर जैसा चालाक आदमी है, अब तक तो वो तुमको फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया होगा। विक्की हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम तो कहते हैं तुम भाग जाओ यहाँ से, जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, हम तो कहते हैं तुम देश छोड़कर भाग जाओ, तुम पृथ्वी छोड़कर भाग जाओ। विक्की बोला, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे ये पृथ्वी छोड़कर चले जाना चाहिए। इतना बोलते हुए वो एकदम से बोला, क्या बोला, तू पागल है, ये क्या बोल रहा है, घर मेरा, लाश मेरे घर में, हालत मेरी खराब है, और बहकी बहकी बातें तू कर रहा है। जुल्मी ने कहा, अरे नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही हम टीवी पर देखे थे, चांद पर जाने वाला मशीन बन गया है, उस पर बैठकर तुम चांद पर भी जा सकते हो। ध्रुव हैरानी से अपना मुंह खोलकर उन दोनों को देख रहा था। विक्की बोला, तू ऐसे क्यों देख रहा है, कुछ बोल ना, कोई सलूशन तो दे। ध्रुव ने कहा, मैं तुम दोनों की बातें सुनकर सदमे में जा रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा है कि तुम जैसे बेवकूफ लोग मेरे दोस्त हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, तुम लोगों को अपनी बातें सुनाई भी दे रही हैं, और जुल्मी तू क्या बोल रहा है, जरा सा भी एहसास है कि कुछ भी बस बोले जा रहा है? जुल्मी ने कहा, अरे हम तो बस विक्की को बचने का तरकीब दे रहे थे। ध्रुव हाथ जोड़ते हुए बोला, तू विक्की को रहने दे, उसको उसकी हालत पर छोड़ दे, उसको बचना होगा तो बच जाएगा, तू बस अनन्या को बचाने के बारे में सोच, अनन्या को कैसे बचाया जा सकता है। जुल्मी बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे लिए तो अनन्या जी ज्यादा जरूरी हैं, अभी हमको अनन्या जी के बारे में सोचना होगा, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ध्रुव ने जुल्मी का कंधा पकड़ा और उसे एक कोने में बिठाते हुए बोला,
हाँ, तो अब तू यहाँ बैठ और सोच कि अनन्या को कैसे बचाया जा सकता है। इतना कहकर ध्रुव जब विक्की के पास लौटा तो विक्की बोला, साले तुझे सिर्फ अनन्या की पड़ी है, मतलब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और अनन्या को बचाने के बारे में सोच। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बात करते हुए? ध्रुव ने कहा, शर्म आती है और तेरी फिक्र है, इसीलिए मैंने उसको अनन्या के बारे में सोचने के लिए लगाकर कोने में बिठा दिया है। वरना मेरे सामने कोई मेरी अनन्या के बारे में बैठकर सोचे तो मैं ऐसा होने दूंगा? वो बकवास कर रहा था इसलिए उसको चुप करने के लिए मैंने ऐसा किया, और अब मुझे कुछ सोचने दे। विक्की बोला, क्या सोच रहा है कि इस मामले को अब कैसे समेटा जाए? ध्रुव इनकार करता हुआ बोला, नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से की जाए। विक्की ने पूछा, किस बारे में? ध्रुव बोला, गधे, हम हमारे दोस्तों को ढूंढने आए हैं ना, कैसे ढूंढा जाए इस बारे में मुझे थोड़ी देर शांति से सोचने दे। इससे पहले कि विक्की कुछ बोलता, ध्रुव ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अपना मुंह बंद रख, तुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि किसी को कुछ नहीं होगा। सुमेर को जो करना था वो कर चुका है, अब हम लोग सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हम जो करने आए हैं हम उस पर ध्यान दें तो ज्यादा सही रहेगा। इतना कहते हुए ध्रुव कुछ सोचने लगा तो विक्की उसके कंधे पर अपने हाथ पिंच करते हुए बोला, तू सच कह रहा है ना, तू मुझे कुछ होने तो नहीं देगा? ध्रुव ने विक्की को घूर कर देखा तो विक्की बोला, नहीं, वो तो मैं बस सेफ साइड के लिए तुझसे पूछ रहा था, तू सोच जो सोच रहा है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। इतना कहकर विक्की अपने मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप जाकर जुल्मी के बगल में बैठ गया। ध्रुव इधर से उधर चहलकदमी करता हुआ उस पूरी जगह को ध्यान से देखकर उस जगह को समझने की कोशिश कर रहा था। वो उस जगह की शांति में कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। जब उसने गौर से जमीन की तरफ देखा तो उसने पाया वहां कोई परछाई सी नजर आ रही थी, जैसे किसी मिरर का रिफ्लेक्शन होता है या शांत ठहरे पानी में किसी चीज का रिफ्लेक्शन बनता है। ध्रुव ने उस जगह को गौर से देखते हुए धीरे से उस जमीन को छुआ तो उसे अपना हाथ कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। तभी विक्की पीछे से बोला, क्या कर रहा है, अभी यहाँ सूर्य नमस्कार करेगा क्या? ध्रुव ने कहा, तुम दोनों जरा इधर आओ। विक्की और जुल्मी दोनों ध्रुव के पास आ गए। ध्रुव ने कहा, यहाँ नीचे देखो तो तुम लोगों को कुछ दिख रहा है? जुल्मी बोला, हाँ, जमीन है, गीला गीला जमीन लग रहा है, कीचड़ हो रहा है, इसमें कीड़े भी होंगे। विक्की ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। ध्रुव ने कहा, वापस जाकर बैठ जाओ तुम दोनों। विक्की बोला, बैठे ही तो हुए थे और हमें बैठने के लिए बोलना था तो हमें यहाँ बुलाए क्यों? ध्रुव बोला, गलती हो गई, यहाँ से निकलते ही इस गलती के लिए खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, अभी माफ करो और जाकर बैठ जाओ। तभी ना जाने ध्रुव के मन में क्या आया, उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और रुद्राक्ष निकाला जो कि हमेशा उसके साथ रहता था। उसने मंत्र का उच्चारण करते हुए उस रुद्राक्ष को जोर से जमीन पर पटक दिया। वो रुद्राक्ष जैसे ही जमीन पर गिरा ऐसा लगा जैसे पानी में कोई चीज गिरी हो, और टपक से पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे रुद्राक्ष जमीन पर नहीं बल्कि किसी पानी से भरी जगह पर गिरा हो। वो रुद्राक्ष ध्रुव की आंखों से ओझल हो गया, ऐसा लगा जैसे वो पानी में डूब गया हो, और कुछ देर बाद वो रुद्राक्ष धीरे धीरे ऊपर नजर आने लगा। ध्रुव ने जब उसे अपने हाथ में लिया तो वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। ध्रुव ने रुद्राक्ष को अपनी जेब में वापस रखा और उसने सीधा ऊपर की तरफ देखा। ऊपर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। जो नजारा उसके सामने था ठीक वही नजारा उसके ऊपर भी था। ऐसा लग रहा था जैसे एक दुनिया सर के ऊपर थी और दूसरी दुनिया पैरों के नीचे। ये कुछ और नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन था। जैसे ही ध्रुव की नजर ऊपर गई उन्हें ऐसा लगा जैसे धीरे धीरे उनके आसपास पानी भर रहा था और पानी में उनके पैर डूबते जा रहे थे। विक्की और जुल्मी भागते हुए ध्रुव के पास आए और घबरा कर बोले, ये क्या हो रहा है, बाढ़ आ गई है क्या? ध्रुव इनकार करता हुआ बोला, नहीं, बल्कि हम पानी में ही खड़े हैं। विक्की ने कहा, लेकिन अभी तक तो पानी नहीं था, फिर अचानक से? ध्रुव ने कहा, ऊपर तो देखो। जुल्मी और विक्की दोनों ने ऊपर देखा और दोनों अपना मुंह खोलकर ऊपर की तरफ देखते ही रह गए। ध्रुव बोला, मुंह बंद कर लो वरना ऊपर से कुछ मुंह में गिर जाएगा। ये सुनते ही विक्की और जुल्मी दोनों ने झटपट अपना मुंह बंद कर लिया और जुल्मी बोला, ये क्या चमत्कार है, इतना बड़ा जादू तो हम आज तक नहीं देखे। ध्रुव बोला, ये जादू नहीं, ये नजरों का धोखा है। जुल्मी ने पूछा, नजरों का धोखा, कैसा धोखा? ध्रुव ने कहा, शायद किसी को पहले से पता था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए हमें कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की चीज की गई है। विक्की ने पूछा, लेकिन किसे पता हो सकता है, क्योंकि हम तो छुपते छुपते ही यहाँ आए हैं ना। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव ने सुमेर को हमारे बारे में बता दिया हो? ध्रुव बोला, तू शायद भूल रहा है कि उससे पहले क्या हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि सुमेर ने महादेव को हमारे साथ देख लिया हो और बाद में उसे मार डाला हो। विक्की ने कहा, हाँ, वैसे ये पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है, लेकिन
अभी विक्की इतना बोला ही था कि उन्हें तालियों की आवाज सुनाई थी। उन्होंने चौंकते हुए इधर उधर देखा, तभी सुमेर ऊपर से कूदता हुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सुमेर के होठों पर बड़ी ही शातिर मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में दरिंदगी साफ नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी कोई बहुत बड़ा काम करके आया था। सुमेर का ताली बजाना लगातार जारी था। ताली बजाते हुए वो ध्रुव के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा कि तभी विक्की ने कहा, ताली बजाना बंद करो, ये ताली बजाकर मांगने का काम किसका होता है पता है ना, और माफ करना अभी हमारे पास चिल्लर नहीं है। विक्की के इतना कहते ही सुमेर एक सेकंड के लिए रुका और उसने एकदम से विक्की का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपने नजदीक खींचकर उसकी आंखों में घूर कर देखने लगा। एक पल को तो विक्की सहम गया, लेकिन दूसरे ही पल वो बोला, ये मेरी ब्रांडेड शर्ट है, ऐसे ब्रांडेड कपड़े तो तुमने अपनी आंखों से कभी देखे नहीं होंगे। चलो अब मेरा कॉलर छोड़ दो, खराब हो गया ना तो तुमसे दुगने पैसे लूंगा। अरे हाँ, पैसों से याद आया, तुम तो बर्बाद हो चुके हो, पैसे तो तुम्हारे पास होंगे नहीं, तुम्हारा घर भी तो भीख मांगने की बदौलत से चल रहा है, तो तुम मुझे शर्ट के पैसे कैसे दोगे। नहीं नहीं सुमेर, मैं तुम्हारा इतना नुकसान होने नहीं दे सकता, छोड़ दो मेरी शर्ट, छोड़ दो। विक्की की बातों को सुनकर सुमेर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने विक्की को धक्का देते हुए छोड़ दिया। इससे पहले कि विक्की नीचे गिरता, ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे संभाल कर खड़ा करते हुए बोला, तुझे लगी तो नहीं ना। विक्की ने कहा, गिरे हुए लोग अक्सर दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके गिरने से पहले ही उनको संभालने वाले तैयार होते हैं। मैं ठीक हूँ, सुमेर ने कहा, मैं बच्चों से बात नहीं करता हूँ और ना ही बच्चों को मुंह लगाता हूँ, अभी तो सिर्फ जरा सा धक्का दिया था। ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो कि संभल गए, लेकिन अगली बार धक्का नहीं दूंगा, सीधा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। ये बोलते हुए सुमेर की आवाज में नफरत साफ नजर आ रही थी। विक्की के होठों पर मुस्कुराहट थी, उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि सुमेर उससे क्या बोल रहा था। जुल्मी विक्की के बगल में आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, क्यों मुस्कुरा रहे हो, उसका गुस्सा बढ़ा रहे हो, और वैसे तो डर के मारे तुम्हारी हालत खराब रहती है, लेकिन इस सुमेर को ऐसा सटीक जवाब कैसे दे देते हो तुम। सुमेर ने विक्की और जुल्मी को नजरअंदाज किया और ध्रुव को देखता हुआ बोला, स्वागत है तुम्हारा, लेकिन अफसोस यहां मैं तुम्हारी कोई खातिरदारी नहीं कर पाऊंगा। वैसे अब तक तो तुम्हें खबर मिली गई होगी कि तुम्हारा दूसरा साथी जो इस हवेली में मेरे टुकड़ों पर पल रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मनवा को तो तुमने बचा लिया, लेकिन महादेव को नहीं बचा पाए, अफसोस। मुझे लगता है तुम्हें अपनी आत्मग्लानि में डूब कर मर जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तुम जिंदा हो, कहां गई तुम्हारी अच्छाई। तुम लोगों की वजह से किसी की जान चली गई और तुम लोग बेशर्मों की तरह खड़े हो, बोलो तो मैं मरने में तुम्हारी मदद करूं। ध्रुव ने सुमेर की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। ध्रुव बखूबी जानता था कि सुमेर जानबूझकर ऐसी बातें करेगा जिससे कि वो ध्रुव को उकसा सके, लेकिन ध्रुव जो कि शांत सागर सा था, तो ऐसे में भला सुमेर की ऐसी कुछ बातें ध्रुव के मन में हलचल नहीं कर सकती थी। ध्रुव आराम से बोला, पहली बात तो ये कि महादेव के लिए हमें दुख है, दूसरी बात ये कि वो हमारी वजह से नहीं मरा है, उसे तुमने मारा है, अपने अहंकार के लिए मारा है। महादेव तुम्हारे खिलाफ बगावत करता आया था, इसलिए तुमने उसे मारा। महादेव खुद आकर हमारे साथ हाथ मिलाना चाहता था। दुश्मन का दुश्मन अक्सर दोस्त हो जाता है, ये फॉर्मूला तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन ना तो हमने कभी महादेव से कहा कि वो हमारा साथ दे, और ना ही वो हमारे कहने पर हमारे पास आया था। वो अपनी मर्जी से आया था और तुम्हें बखूबी पहचान गया था, इसलिए वो तुम्हारे खिलाफ हुआ था। अब आगे बोलो। एपिसोड 795, खूंखार जगह। सुमेर ने अपने हिसाब से बहुत कोशिश की कि ध्रुव पैनिक हो जाए। वो जानबूझकर महादेव की मौत का इल्जाम ध्रुव के ऊपर डाल रहा था, क्योंकि उसे लगा कि ध्रुव बहुत नरम दिल इंसान था और सुमेर की बातें सुनकर वो परेशान हो जाएगा और सुमेर उसकी परेशानी का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन ध्रुव चट्टान की तरह खड़ा रहा। आखिर में जब सुमेर को लगा कि ध्रुव पर उसकी इन बातों का असर नहीं हो रहा था, तो वो बोला, तुम्हें नहीं लगता कि पाली वाले आजकल तुम्हें जो इतनी इज्जत देने लगे हैं, उन्हें जब पता चलेगा कि उन्हीं के बीच का एक इंसान मर गया है, वो भी तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। एक बार फिर ध्रुव बड़ी शांति से बोला, मुझे ना तो इज्जत का लालच है और ना ही बेइज्जत होने का डर है, ये सब तुम जैसे लोगों के लिए है, इन सब से तुम्हें फर्क पड़ता होगा, मुझे नहीं। क्या अब तुम्हें और भी कुछ कहना है, और क्या तुम सिर्फ ये सब कहने के लिए यहाँ आए हो। सुमेर मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हें तो सब बहुत जल्दी समझ आ जाता है, तो तुम ये भी समझ गए होगे कि मैं सिर्फ ये कहने के लिए तो यहाँ नहीं खड़ा हूँ, बल्कि तुम्हें तो ये भी समझना चाहिए कि तुम इस वक्त मेरी हवेली में हो, तो मैंने बिना किसी कारण के तो तुम्हें अंदर नहीं आने दिया होगा ना। मुझे तो जरूर पता होगा कि मैं तुम्हें अंदर क्यों आने दे रहा हूँ, है ना। तो सुनो ध्रुव द होशियार, अब तुम सब के सब यहाँ ट्रैप हो गए हो,
तुम में से कोई भी अब यहाँ से निकल नहीं सकता, और ना तो तुम्हें तुम्हारे वो तीन दोस्त मिलेंगे और ना ही उन तीनों को तुम तीनों मिलोगे। और रही बात तारा की, तो उसे अपने रास्ते से हटाना तो मेरे लिए चुटकी का खेल है। उसे तो मैं गिनता ही नहीं हूँ अपने दुश्मनों की लिस्ट में। मेरी हिट लिस्ट पर तो सिर्फ तुम तीन लोग रहे हो, छलावा, अनन्य और तुम सबसे पहले नंबर पर हो। और देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं एक ही साथ तुम सबको खत्म कर दूंगा। ध्रुव ने जैसे ही अपने हाथ सुमेर की तरफ बढ़ाने चाहे, ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उसके हाथों में करंट लगा हो। वो सुमेर को छू ही नहीं पा रहा था। सुमेर ने कहा, वो जमाना गया जब तुम सुमेर पर हावी हो जाते थे, लेकिन अब नहीं। इतना कहती सुमेर अचानक जोर से चीखा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उन तीनों ने अपने अपने कान बंद कर लिए। चीखने के साथ ही उसने अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाया और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाने लगा। सुमेर जैसे जैसे अपने हाथ ऊपर ले जा रहा था, ऊपर की तरफ जो एक अलग सी दुनिया थी जो उन लोगों को नजर आ रही थी, वो नीचे होती जा रही थी। और एकदम से ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल किसी अंधेरे में समाने लगे। विक्की और जुल्मी की तो चीख निकल गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो किसी हवा से बनी जगह के आर पार होकर चले गए हो। उन्हें अंधेरे के साथ साथ बदबूदार हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी आंतें उल्टी होकर बाहर आ जाएंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल लगा, तो उन लोगों ने पाया कि वो अभी भी उसी जगह पर खड़े थे। ध्रुव ने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर अब भी कुछ नहीं था। ऊपर सिर्फ अंधेरा था और सामने वही सामान्य सा मंजर था जो उन लोगों ने पहली बार हवेली के नीचे आने पर देखा था। जगह जगह राख के अंगारों में उठता हुआ धुआं था। छोटे छोटे कीचड़ से बने गड्ढे थे जिनके बारे में छलावा ने कहा था। ये दिखने में कीचड़ के गड्ढे थे, लेकिन असल में ये सभी अशुद्ध प्रेत आत्माएं थी। ध्रुव इधर उधर देखते हुए बोला, ये सुमेर कहाँ चला गया? विक्की ने कहा, अपनी बकवास करने आया था, बकवास करके चला गया और हम यहीं के यहीं खड़े रह गए। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आखिर वो हमें एक अलग सा रिफ्लेक्शन क्यों दिखाना चाहता था? ऊपर एक अलग रिफ्लेक्शन, नीचे अलग, तो इन दोनों में से रिफ्लेक्शन कौन सा था? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ध्रुव ने कहा, जो हमें नीचे दिख रहा था वो रिफ्लेक्शन था, ऊपर असल था जो कि अब हमारे सामने है। विक्की बोला, लेकिन अगर यही सच है, मतलब अगर यही वो असली जगह है, तो फिर हमारे दोस्त कहाँ हैं? ना किसी की कोई आवाज आ रही है और कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा है जैसे यहाँ हमारे अलावा कोई हो। इन कीचड़ के गड्ढों के सिवाय ये जगह तो पहले की तरह ही लग रही है। ध्रुव की नजर एक जले हुए पेड़ के कोने में गिरी एक चप्पल पर पड़ी। ध्रुव के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। पीछे से विक्की बोला, कहाँ जा रहे हैं हमारे बिना? ध्रुव ने कहा, एक मिनट रुक दो। ध्रुव उस जगह पर गया, उसने चप्पल को हाथ में लेकर उसे उलट पलट कर देखा और वापस विक्की और जुल्मी के पास आया और विक्की को वो चप्पल दिखाते हुए बोला, इस चप्पल को पहचानता है? विक्की ने ध्रुव के हाथ से उस चप्पल को लिया और उसे फेंकते हुए कहा, ये किसी सेलिब्रिटी की चप्पल है क्या जो करोड़ों में बिकी थी और इसके बारे में सबको पता होगा? यार क्या पता ये गंदी सी चप्पल किसकी है। जुल्मी ने वापस से उस चप्पल को उठाया और बोला, हाँ हम जानते हैं ये किसका चप्पल है, ये छलावा का चप्पल है। विक्की बोला, और तुझे ये इतनी अच्छी तरीके से कैसे पता कि ये छलावा की चप्पल है? जुल्मी बोला, अरे वो हमको इसलिए पता है क्योंकि ये चप्पल हम ही बाजार से लेकर आए थे उसके लिए, जब उसका चप्पल टूट गया था और वो खाली पैर घुमा करता था। ये चप्पल को लाकर भी सालों गुजर गए, तब से पता नहीं कैसे लेकिन वो यही चप्पल चला रहा है, और देख रहे हो जगह जगह से सिला हुआ भी है। हमको पूरा यकीन है ये उसी का चप्पल है। ध्रुव ने कहा, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो छलावा की चप्पल है, मुझे अच्छी तरह से याद है। विक्की बोला, तो इस चप्पल से क्या साबित हो जाएगा? ध्रुव ने कहा, इस चप्पल से ये साबित होता है कि वे लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, अपने मन से नहीं गए हैं, जरूर उनके साथ कुछ हुआ है, उन्हें जबरदस्ती कहीं ले जाया गया है और इसी खींचा तानी में छलावा की चप्पल खुल गई होगी और यहाँ गिर गई होगी। जुल्मी बोला, देखो ना फिर तो कहीं अनन्या जी का भी चप्पल होगा। अरे चप्पल नहीं तो कान की बाली ही होगी, हम ढूंढते हैं। ध्रुव ने कहा, चुप कर जुल्मी, बकवास मत कर, और तुम लोग थोड़ी देर के लिए एकदम शांत रहो, जरा सी भी आवाज नहीं करना। इतना बोलकर ध्रुव अपने घुटने के बल जमीन पर बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथों को जमीन से लगा दिया और अपने कान को भी जमीन से लगा दिया। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ये देखकर जुल्मी बोला, ये कौन सा योगा कर रहा है? अरे योगा करने से कुछ नहीं होगा। विक्की ने तुरंत जुल्मी के मुंह पर हाथ रखा और उसे वहां से कुछ दूर ले जाकर बोला, तूने सुना नहीं उसने कहा है ना चुप रहने के लिए, वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। जुल्मी बोला, अरे बेकार में कोशिश कर रहा है, सुमेर यहाँ से आकर गया और इतना देर सहेलियों की तरह गपशप करके गया, तो क्या अभी तुम लोगों को लगता है कि वो हमारा कोई काम बनने देगा?
उसको जो करना होगा वो अब तक कर चुका होगा, विकी ने कहा। हाँ वो तो है, लेकिन उसकी वजह से क्या इंसान अपनी कोशिश छोड़ देगा। वहीं ध्रुव को कुछ महसूस हो रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी। उसके माथे पर शिकन पड़ने लगी थी और उसकी हथेली धीरे धीरे एक मुट्ठी में बनती जा रही थी। ध्रुव की आंखें एकदम से खुली और वो गहरी सांस लेकर बोला, आओ मेरे साथ, विकी बोला। कहाँ? ध्रुव ने अपनी बाईं तरफ हाथों से इशारा किया, वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। वो अंधेरा बहुत विशाल था और वो कौन सी जगह थी इसके बारे में उनमें से किसी को कुछ नहीं पता था। विकी ने कहा, बिना किसी जानकारी के हमारा ऐसी जगह पर जाना सही रहेगा? ध्रुव ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर हमें कुछ ढूंढना है तो उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ से मुझे कुछ आवाज महसूस हो रही है। जुल्मी और विकी ध्रुव के पीछे चल पड़े। वे लोग और गहरे अंधेरे में चलते हुए धीरे धीरे उसमें समा चुके थे। हाथों हाथ उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। विकी जो कि सबसे पीछे था उसने धीरे से कहा, तुम लोग यही हो ना आसपास? देखो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। जुल्मी ने बोला, हाँ हम यही हैं, डरपोक कहीं के। ज्यादा डर लग रहा है तो हमारा हाथ पकड़ लो। विकी बोला, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है, मैं तो तेरे लिए पूछ रहा था, तुझे डर तो नहीं लग रहा? जुल्मी ने कहा, हमको डर नहीं लगता है, हम तुम्हारी तरह नहीं है, हम गांव के हवा पानी में पले बड़े हैं, डर को हमसे डर लगता है, आई बात समझ में? विकी ने कहा, हाँ वो तो पहले दिन से ही समझ आ गया था जब तू कुएं के पास बेहोश हो गया था, याद है ना? जुल्मी ने कहा, अगर तुमने दोबारा एक बार भी कभी इसके बारे में जिक्र किया ना तो हम तुमको अपने ही हाथ से मार डालेंगे। ध्रुव ने कहा, अगर मैंने तुम दोनों की एक बार और आवाज सुनी ना तो तुम में से कौन किसको मारेगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम दोनों को मारकर खुद फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। अरे यार तुम लोग गजब बदतमीज लोग हो, ना तो सिचुएशन देखते हो और ना ही जगह देखते हो, बस कहीं भी शुरू हो जाते हो। मेरी ही गलती थी, मुझे तुम दोनों को साथ में लेकर ही नहीं आना चाहिए था, लेकिन अपनी इस गलती के लिए मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ, वो भी तुम दोनों की जान लेकर। विकी बोला, कैसी बात कर रहे ध्रुव, तेरे जैसे पवित्र आदमी के मुंह से ऐसी अपवित्र बात, तुझे शोभा नहीं देती। ध्रुव ने गुस्से में कहा, हाँ तो मुझ पवित्र आदमी के साथ तुम जैसे नमूनों का होना भी शोभा नहीं देता, फिर क्या करूं मैं? जुल्मी धीरे से बोला, लगता है ध्रुव कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया है। विकी ने कहा, जाने दे, उसके जीवन में मुसीबत में पड़ने की और गुस्सा करने के सिवाय और काम ही क्या है, उसकी बातों पर ध्यान देंगे तो हम लोग भी उसी की तरह हो जाएंगे, आधे पागल। वे लोग यूं ही काफी देर से चलते जा रहे थे, ना तो अंधेरा खत्म हो रहा था, ना कुछ नजर आ रहा था और ना ही कोई मिल रहा था। विकी ने आखिर में थकते हुए कहा, भाई बस अब बहुत हो गया, पता नहीं कितने किलोमीटर चल लिया हूं। मैंने अगर इतना किसी नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता ना तो 2-4 डायमंड के मेडल तो जरूर ले आता। ध्रुव ने कहा, अच्छा और कौन से कॉम्पिटिशन में डायमंड का मेडल मिलता है? विकी बोला, वही तो, हर कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा हैवी लेवल का कंपटीशन हो गया ना, इसलिए मुझे डायमंड मेडल मिल जाता। वैसे तूने क्या सुना था वहां कान लगाकर? मुझे तो लगता है आजकल तेरी शक्तियां भी तेरी तरह ही होती जा रही हैं, यू नो थोड़ी अजीब सी। विकी अभी बोल ही रहा था कि ध्रुव ने फुर्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा और एकदम धीरे से बोला, शांत रहो, यहीं खड़े रहो, ध्यान से सुनो, कुछ आवाज सुनाई दे रही है। इतना कहकर ध्रुव ने विकी के मुंह से अपना हाथ हटाया। विकी और जुल्मी भी अब चौकन्ने होकर खड़े हो गए और गौर से सुनने लगे कि वाकई में कुछ सुनाई दे भी रहा है या नहीं, कि तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भयानक राक्षस गुर्रा रहा हो। ये ना तो किसी जानवर की आवाज थी और ना ही किसी इंसान के चिल्लाने की, ये आवाज सुनने में कुछ अलग ही लग रही थी। जुल्मी ने धीरे से कहा, ये कैसा आवाज है, इतना भयानक? ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऐसे गुर्राने और चिल्लाने से धीरे धीरे धरती भी हिल रही है। ध्रुव हमको तो डर लग रहा है। ध्रुव ने कहा, फिकर मत करो, तुम दोनों यहीं रहो, मैं आगे जाकर देखता हूँ। इतना कहकर ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ा, विकी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आगे कहाँ जा रहा है, यहाँ चारों तरफ अंधेरा है, हम यहाँ पर कहीं खड़े रहेंगे तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। ऐसी जगह में अगर हम सब साथ रहे तो ही सही है। जुल्मी ने कहा, बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन विकी की इस बात से हम सहमत है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो भी जीवन में पहली बार। ऐसी जगह पर अगर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और एक दूसरे का ध्यान भी रख पाएंगे, पता नहीं कौन सी मुसीबत किस तरफ से चली आए। ध्रुव ने कहा, ठीक है तो तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखो और धीरे धीरे मेरे पीछे चलो। ध्रुव अपने दोस्तों को लेकर बड़े ही संभल संभल कर उसी तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा था जिधर से वो आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो तीनों अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे,
धीरे धीरे वो आवाज उनके नजदीक आती जा रही थी और फिर एकदम से वो आवाज तेज हो गई। एपिसोड 796, अनन्या का सहारा। वो भयानक आवाज जैसे जैसे तेज हो रही थी, ध्रुव के चेहरे पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। वो बहुत ही चौकन्ने तरीके से आगे बढ़ रहा था। उन्हें अब दूर से ही हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी थी। ये देखकर विकी बोला, इतनी देर में पहली बार कोई रोशनी दिखी है। ध्रुव ने कहा, संभल कर, हर रोशनी उजाला देने के लिए नहीं होती। वो अंधेरे का हिस्सा अब लगभग खत्म होने लगा था। अभी भी इतनी देर से उस जगह पर रहने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हिस्सा था क्या, इस जगह को क्या कहा जा सकता था। वहां ना तो कोई जंगल था और ना ही कुछ और, सिर्फ अंधेरे कोहरे की चादर दिखाई दे रही थी। तभी उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन हिलते हुए महसूस हुई। विकी और जुल्मी ने तुरंत ध्रुव का हाथ थाम लिया और बोला, ये कैसी हलचल थी, कोई भूकंप आया क्या? ध्रुव ने कहा, नहीं भूकंप नहीं आया, ये कुछ और ही बात है। वहां पर आग जल रही थी। ध्रुव अपने दोस्तों के साथ संभल कर ये देखने की कोशिश करने लगा कि वहां उनके सामने और क्या क्या था। उसने देखा वहां एक बड़ा सा खुला हिस्सा था जहां जगह जगह आग चल रही थी और नीचे की जमीन पूरी तरह से राख से ढकी हुई थी। इससे पहले कि वे लोग आगे बढ़ते या उस जगह में उन्हें कुछ और नजर आता, उन तीनों को एक साथ पीछे से जोरदार धक्का लगा, जैसे किसी ने पूरी ताकत के साथ उन्हें आगे की तरफ धकेल दिया हो। ध्रुव अपने दोस्तों के साथ उस राख पर मुंह के बल गिर चुका था। ध्रुव जैसे ही नीचे गिरा, वो एकदम फुर्ती के साथ पीछे पलटा और खड़ा हो गया। अब उसका चेहरा, कपड़े, सब कुछ राख से सने हुए थे, लेकिन उसने जब सामने देखा तो सामने की तरफ कोई नहीं था। विकी और जुल्मी भी उठकर खड़े हुए और अपने अपने कपड़े साफ करते हुए बोले, ये हमें धक्का किसने दिया, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जुल्मी ने कहा, हमारे पीछे तो तुम थे ना विकी, तुम हमको धक्का दिए थे। विकी बोला, बेवकूफ है क्या, मेरे पीछे तो कोई नहीं था तो मुझे किसने धक्का दिया। ध्रुव ने अपने होठों पर उंगली रखकर उन दोनों को चुप रहने के लिए कहा और बोला, यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। विकी ने कहा, कौन है, कोई दिख तो नहीं रहा। जुल्मी बोला, अरे बेवकूफ, भूत कभी किसी को दिखा है क्या। ध्रुव को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी जो अभी काफी दूर थी। ध्रुव ने कहा, कोई हमारी तरफ आ रहा है। विकी बोला, कौन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्रुव ने कहा, कोई तो है। जैसे ही वो कदमों की आहट कुछ नजदीक आई, ध्रुव बोला, सुमेर, सुमेर है यहाँ। विकी ने कहा, अगर उसे यही होना था तो वो गया क्यों था। तभी जैसा कि ध्रुव ने कहा था, सुमेर अंधेरे से निकलकर उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उन तीनों को देखकर बस मुस्कुरा रहा था। उसने अचानक से अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा, देखो ध्रुव, तुम मुझे बहुत कम समझते हो ना, ये दुनिया देखो, ये मेरी बनाई हुई दुनिया है और तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये मेरी हवेली के नीचे का बेसमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पाताल है और यहाँ मैंने अपनी सालों की मेहनत से ये दुनिया बनाई है। मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ का भगवान हूँ, यहाँ मुझसे ऊपर कोई नहीं है, यहाँ की हर एक चीज मेरी बनाई हुई है और हर एक चीज मेरी गुलामी करती है। ये अंधेरा, ये राख, ये हवा, ये अंगारे, हर कोई मेरे गुलाम है। अगर मैं चाहूँ तो ये सब एक पल में तुम्हें मसल सकते हैं। सुमेर ने जैसे ही इतना कहा, ध्रुव एकदम से हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ गया और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं सुमेर, ऐसा मत करना, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने घुटने टेक रहा हूँ, ऐसा मत करना सुमेर, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो, तुमने इतनी बड़ी दुनिया बना ली है। नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाहिए था, हमें माफ कर दो, बस हमें यहाँ से जाने दो। अचानक ध्रुव के इस बर्ताव से ध्रुव के दोनों दोस्त हैरान परेशान हो गए और सुमेर भी बस हैरानी से उसकी तरफ देखता जा रहा था, क्योंकि सुमेर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि उसे ऐसा कुछ देखने का मौका मिलेगा। विकी धीरे से ध्रुव के नजदीक आए और उसे उठाता हुआ बोला, उठ जा ध्रुव, ये तू क्या कर रहा है, क्यों मेरी इज्जत की मिट्टी पलीत कर रहा है, इसके आगे हाथ जोड़कर माफी क्यों मांग रहा है। ध्रुव ने कहा, कैसी बात कर रहा है विकी, इस जगह को देख, इस जगह की हर एक चीज को देख, क्या अब भी तुझे लगता है कि हमें सुमेर से उलझने की जरूरत है। अरे ये सुमेर हमारी सोच से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, नहीं नहीं नहीं, हम सुमेर से और नहीं उलझ सकते। इतना कहकर ध्रुव सुमेर के चेहरे की तरफ देखने लगा। सुमेर की आंखों में हैरानी थी और चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। सुमेर अपने मन में बोला, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है कि इतनी आसानी से मेरे काबू में आ जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जितना कि मैं इसे जानता हूँ, ये बड़ा ढीठ किस्म का इंसान है, मैं तो मान ही नहीं सकता कि इतनी आसानी से मेरे सामने झुक रहा है। फिर तुरंत ही उसने दोबारा अपने मन में सोचा, लेकिन क्या पता
इस जगह को देखकर और मेरी शक्तियों का प्रदर्शन देखकर इसके मन में घबराहट होने लगी हो। हाँ, ये हो तो सकता है। मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। अगर ध्रुव मेरे कंट्रोल में हो रहा है तो मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तभी ध्रुव दोबारा बोला, बोलो ना सुमेर, तुम क्या सोच रहे हो? तुम मुझे माफ कर दोगे ना? इससे पहले कि सुमेर कोई जवाब देता, ध्रुव के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो एकदम से ठहाके लगाकर हंसने लगा, जैसे कि किसी ने बहुत ही मजेदार जोक सुनाया हो। हंसते हंसते ध्रुव जमीन पर लेट गया था। एक बार फिर उसके इस बर्ताव ने उन सबको हैरानी में डाल दिया था। जुल्मे धीरे से विक्की के कान में बोला, कहीं ये ध्रुव पागल तो नहीं हो गया है? ये कैसी कैसी हरकत कर रहा है? अभी तो इस सुमेर से माफी मांग रहा था और अभी अचानक ही हंसने लगा है। हमको तो लगता है इस जगह में जरूर कोई मायावी चीज है जिसने ध्रुव के दिमाग को खराब कर दिया है। अचानक ध्रुव हंसते हुए एकदम खामोश हो गया और उठकर खड़ा हो गया। वो अपने चेहरे और कपड़ों से राख हटाकर सुमेर को देखने लगा। सुमेर अभी बेचारा सदमे में खड़ा था। उसे ध्रुव का ये जल्दी जल्दी बदलता हुआ बर्ताव समझ में ही नहीं आया। ध्रुव आगे बढ़ा और उसने सुमेर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? सुमेर धीरे से पीछे हटा और बोला, मुझे हाथ मत लगाओ। ध्रुव ने कहा, अरे तुम तो नाराज हो गए। अरे यार, क्या मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकता? तुम इतने शक्तिशाली हो, तुमने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है और जरा से मजाक में तुम इतने परेशान हो गए। मुझे तो लगा कि तुम हंसी मजाक में मेरा साथ दोगे। हल्का फुल्का माहौल बना रहता है, क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? विकी ने जुल्मी की तरफ देखते हुए कहा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये पागल ही हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है? जुल्मी ने कहा, तुम लोग हमारा बात का तो यकीन ही नहीं करते हो। अरे हम तो चेहरा देखकर बता सकते हैं कि कौन सही आदमी है और किसका दिमाग खराब है। तभी ध्रुव ने सुमेर को हल्का सा धक्का दिया और बोला, ये सब तुम्हारे गुलाम है, ये तुम्हारी बनाई हुई दुनिया है, फलाना धमकाना जो भी तुमने कहा, तो चलो अब एक एक करके अपने गुलामों को सामने लाओ, या चाहो तो इन्हें एक साथ भी ला सकते हो। इतना कहते हुए ध्रुव ने अपनी गर्दन को घुमाया और अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करते हुए कहा, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे ऊपर भी एक बटन होता है, तो मैं थोड़ा सा हंसी मजाक वाले माहौल में रिलैक्स हो जाता हूँ। चलो तो अब शुरू करें। सुमेर अभी हैरानी से ध्रुव को ही देख रहा था, तो ध्रुव ने कहा, एक मिनट, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम्हें सच में तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे इस जादुई कारनामे को देखकर तुमसे माफी मांग रहा हूँ और तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ? तुम्हें वाकई में ऐसा लगा कि इस कठपुतली के खेल को दिखाकर तुमने मुझे इंप्रेस कर लिया? इतना कहते हुए ध्रुव अपने दोस्तों का भी मुंह देखने लगा। इस वक्त सुमेर, विक्की और जुल्मी तीनों के चेहरे पर एक जैसा ही एक्सप्रेशन नजर आ रहा था। तीनों कंफ्यूज, हैरान, परेशान और पता नहीं क्या क्या महसूस कर रहे थे। ध्रुव बोला, गाइस तुम दोनों भी? अरे कम से कम तुम दोनों से तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कहते हुए ध्रुव अपने दोस्तों की तरफ बढ़ा, लेकिन जुल्मी और विक्की दो तीन कदम पीछे हट गए और विक्की बोला, हाँ ठीक है, हम समझ गए। तू जो कर रहा था वो तू करना, हम यहीं खड़े हैं। ध्रुव जो पूरी तरह से रिलैक्स था, उसने एकदम से गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, सुमेर मैंने कहा बुलाओ अपने गुलामों को, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, आज मैं सब कुछ एक ही झटके में खत्म करके ही यहां से जाऊंगा। और हाँ, चिंता मत करो, जब तक मैं तुमसे ना निपट लूं, उससे पहले मैं अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करूंगा। और तुमने क्या कहा था, महादेव की जो जान गई थी उसके बारे में मुझे गिल्टी फील करना चाहिए था ना? हाँ तुम सही थे, मुझे उसका प्रायश्चित करना चाहिए, और महादेव की जान का प्रायश्चित यही होगा कि मैं तुम्हारी इस नरक की दुनिया का अंत कर दूं। आओ सुमेर, खड़े क्यों हो, आगे बढ़ो। क्या हुआ, मेरा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हो रही? सुमेर कुछ देर तक तो घबराया हुआ था, वो ध्रुव को देखने लगा और फिर उसने जोर से अपने पैर जमीन पर पटके। सुमेर के पैर जैसे ही जमीन पर लगे, तभी वहां राग जो कि अब तक जमीन पर पड़ी हुई थी, उसका बवंडर उठने लगा। वो चारों तरफ से ध्रुव और उसके दोस्तों को घेरने लगी थी। उनमें से अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही थी। ये आवाजें वैसी ही थी जैसी इन लोगों ने उस अंधेरे में सुनी थी। तभी जुल्मी चीख पड़ा। विक्की ने उसे संभालते हुए कहा, क्या हुआ, तू चीख क्यों रहा है? जुल्मी बोला, ऐसा लगा जैसे इस राग से एक बड़ा सा मुंह बाहर आया और वो हमको निगलना चाह रहा था। विक्की ने कहा, ये सब कुछ सुमेर की हुई माया है, इसमें फंसो मत, पहले भी तो हमने इन चीजों का सामना किया है ना, अगर इस माया को हम अपने ऊपर हावी होने देंगे तो ही ये हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, वरना ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वैसे भी हमारे साथ तो ध्रुव है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। विक्की ध्रुव को आवाज लगाता हुआ बोला, ध्रुव तू यही है ना? देख तू मुझे दिख तो नहीं रहा,
क्योंकि मेरी आंखों के आगे इतनी राख उड़ रही है कि हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन ध्रुव की कोई आवाज नहीं आई। विकी ने दोबारा कहा, ध्रुव तू कहाँ है यार? लेकिन ध्रुव अभी भी कुछ नहीं बोला। तभी जुल्मी बोला, ये हमें छोड़कर भाग तो नहीं गया? विकी ने कहा, कैसी बात कर रहा है, वो हमें छोड़कर भाग जाएगा क्या? वो तो हमें लाना ही नहीं चाहता था, हम उसके साथ जबरदस्ती आए थे और वो सही कह रहा था, हम उसके लिए मुसीबत ही बन गए हैं। अकेला तो वो कैसे भी मैनेज कर लेता, लेकिन अब हमारी वजह से वो चाहकर भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा होगा। जुल्मी ने कहा, लेकिन अगर वो हमें छोड़कर नहीं भागा है तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। जुल्मी अपने हाथों के सहारे ध्रुव को ढूंढने की कोशिश करने लगा। वो चारों तरफ टटोल रहा था, लेकिन उसे ध्रुव कहीं नहीं मिला। तभी उसे किसी का हाथ मिला और उसने बोला, हाँ ये मिल गया, ये रहा ध्रुव। विकी बोला, गधे ये मेरा हाथ है, छोड़ मुझे, क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके विकी और जुल्मी को खांसी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो राख अब उनके फेफड़ों में भरने लगी थी। उनका गला सूखने लगा था और सांस लेना मुश्किल हो गया था। विकी और जुल्मी दोनों खांसते हुए जमीन पर बैठ गए। जुल्मी ने कहा, अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो हमारा दम घुट जाएगा, विकी कुछ करो। विकी ने कहा, क्या करूं, मैं भी तो तेरे साथ फंसा हुआ हूं। फिर विकी बड़ी मुश्किल से बोला, ध्रुव कहाँ है तू, जल्दी कर। तभी वहां पर जोर से हवा का एक झोंका आया और वो राख उड़ते हुए एक किनारे चली गई और एकदम से अनन्या की आवाज आई, विकी जुल्मी तुम दोनों यहाँ कैसे? अनन्या की आवाज सुनकर उन दोनों की जान में जान आई। विकी बोला, अनन्या अनन्या कहाँ है तू, हम यहाँ हैं, यहाँ आओ हमारे पास। ध्रुव ध्रुव दिख रहा है क्या तुझे? अनन्या ने कहा, ध्रुव नहीं तो, ध्रुव यहाँ था क्या? विकी बोला, हाँ हम लोग तुम लोगों को ढूंढने आए थे। अनन्या बोली, अच्छा पहले तो तुम दोनों मेरे साथ आओ, तुम दोनों की हालत बहुत खराब है। इतना कहकर अनन्या ने उन दोनों को संभाला और उन्हें अपने साथ लेकर एक तरफ बढ़ गई।